ये कैसे हो सकता है? शाका ने तो कहा था जिगाला मारा गया है, ये तो जिंदा है। आखिर खबर क्या है शन्नो? सिगाला जिंदा है। सिगाला जिंदा है? हाँ, सिगाला जिंदा है। मैंने अपनी आंखों से उसे जंगल से गुजरते देखा है। ये नामुमकिन है कि वो जिंदा हो। जरूर तुम्हारी नजर का फरेब है, तुमने किसी और को देखा होगा। नहीं शाका, मेरी नजर इतना फरेब नहीं खा सकती कि मैं अपने दुश्मन का ना पहचान सकूं। वो सिगाला ही था। तुम जरूर किसी गलतफहमी की शिकार हो शन्नो। ऐसा हो नहीं सकता कि सिगाला जिंदा हो, क्योंकि हमने उसे इतनी बुलंद पहाड़ी से मौत के घर में फेंका है। सिगाला के जिंदा रहने का सवाल ही नहीं उठता। वो जिंदा है, आप लोग मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करते? यकीन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने अपने हाथों से उसे मारा है। अगर सिगाला मर जाता तो तुर्किस्तान की सरजमीन पर एक जलजला, एक तूफान आ जाता। शायद तुम मेरे अंगेज को नहीं जानते, वो सिगाला की मौत पर सारी दुनिया को आग लगा दे। आग तो जरूर लगेगी, जरूर लगेगी, लेकिन इस आग में पहली मौत होगी मेहर अंगेज की। अगर सिगाला जिंदा है तो उसने हमारे इरादों के बारे में मेहर अंगेज को जरूर बताया होगा। हैरत की बात तो ये है कि सिगाला जिंदा है तो कैसे, आखिर वो बच कैसे गया? इस वक्त हमारे लिए ये जानना जरूरी नहीं कि वो कैसे बच गया, ये जरूरी है कि इस मर्तबा हमारा वार खाली नहीं जाना चाहिए। सिगाला इस वक्त अपनी शेर की तरह अपने दुश्मनों की तलाश कर रहा है। उसके इरादे बड़े खतरनाक है शहजादे। उसके खतरनाक इरादों को कुचल दिया जाएगा। सिगाला कल का सूरज नहीं देखेगा, उसकी मौत आज होगी। आज सिगाला महल की तरफ गया होगा शहजादे, मैं उसके पीछे जाऊंगा। नहीं, मेहर अंगेज के महल में जाकर तुम अपनी गर्दन कटवाने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। उसके लाखों नेजे तुम्हारे सीने के आर पार हो जाएंगे। तुम अकेले हो शाका, और मेहर अंगेज की तलवारें लाखों बेमात मार दिए जाओगे। नहीं है मुझे अपनी जान की परवाह। अगर मेहर अंगेज के पास लाखों तलवारें हैं तो शाका के पास वो बाजू है जो लाखों गर्दनें काट सकते हैं। जब तक मेहर अंगेज की तलवारें मेरी गर्दन तक पहुंचेंगी, शाका लाखों गर्दनों को काट कर अपने सर का सदका दे चुका होगा। सिगाला की मौत मेरे हाथों लिखी है और यह अटल है। सिगाला तुम? मैं इस वक्त तुम्हीं से मिलने आ रहा था। मेरे पास सिगाला, तुम नहीं जानते इस जंगल के चप्पे चप्पे पर चारों तरफ तुम्हारे दुश्मन फैले हुए हैं। उन्हें जहां भी मौका मिलेगा वो तुम्हारा कत्ल कर डालेंगे। सिगाला हमेशा अपनी जान को अपनी हथेली पर सजा कर निकलता है, तो उसका कफन उसके साथ होता है। दुश्मनों का खौफ उन्हें होता है जिनके बाजू में जंग लग जाए। सिगाला अपने दुश्मनों का जवाब देना अच्छी तरह से जानता है। सिगाला, मैं मानता हूँ कि तुम तन्हा पूरे लश्कर का मुकाबला बड़ी आसानी से कर सकते हो, लेकिन शायद तुम भूल रहे हो कि इस बार दुश्मन तुम्हारे सीने पर नहीं, तुम्हारी पीठ पर वार करेगा। और इसलिए शहजादी आलम तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। शहजादी को सिगाला के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिगाला उस बहादुर सरफरोश का नाम है जिसके सामने आते ही उसके दुश्मन के कदम नरसने लगते हैं, हाथ खापने लगते हैं और हथियार छूट जाते हैं। फिर भी शहजादी का कहना है कि सिगाला को अपनी जान की हिफाजत करना बहुत लाजमी है। सिगाला का खून और दुश्मनों के खंजर के मुंह लगे नामुमकिन है सच्चा। इससे पहले कि दुश्मन हम तक पहुंचे, हमें दुश्मनों तक पहुंचना है। सिगाला, दुश्मन की तलाश और सल्तनत की निगरानी के लिए हमारा दस्ता पहले से तैयार है। हमें किसी भी वक्त दुश्मन के मुकाबले की जरूरत पड़ सकती है। हाँ सच्चा, हमें जहां भी निकलना है पूरी तैयारी के साथ निकलना है। इंतकाम की आग में सुलग रहा है और उसके आदमी खुफिया रास्तों से मेहरंगेज तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सर कुचल दिए जाएंगे शहजादी की तरफ बढ़ने वाले दुश्मनों के। जिसने भी हम तुर्कियों को ललकारा, समझो उसने अपनी मौत को ललकारा। इस ललकार की गूंज हमारे हर दुश्मन को सुनाई देगी, हर दुश्मन को। सिर्फ एक दरगाह में हमारा दुश्मन नहीं बल्कि हिंदुस्तान का शहजादा हमारे दुश्मनों के शरीर में शामिल है।
और शाखा के साथ मिलकर मेहरंगेज तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। जिगाला, महल के कुछ खास सैयारों ने खबर दी है कि हिंदुस्तान का शहजादा खुफिया तौर पर अपने साथ कुछ लश्कर भी लाया है। यही दफना कर रख दिया जाएगा, वो अपने लश्कर के साथ कब्र पर कोई चिराग जलाने वाला भी नसीब नहीं होगा। अपने सिपाहियों को तुर्किस्तान के गोशे गोशे में फैला दो और तलाश करो अपने दुश्मनों को, चाहे जिंदा या मुर्दा। जिगाला, हमारे सिपाही चारों तरफ फैल चुके हैं, अब कोई भी दुश्मन हमसे नजर बचाकर नहीं गुजर सकता। हमारी तीरों की बारिश उनके सरो तन का फैसला कर देगी। सनास, ये तो एक गुफा है, हम अपने घोड़ों के साथ यहाँ से कैसे गुजर सकते हैं? यहाँ से हमें पैदल ही जाना होगा शहजादे आलम। यहाँ से गुजरने का रास्ता मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हम रात को इस गुफा को पार कर सकते हैं। इस गुफा को पार करते ही हम तुर्किस्तान पहुँच जाएंगे। जैसा कि नक्शा सनास ने कहा है कि हमारी मंजिल तक पहुँचने का सिर्फ यही रास्ता है। हम एक पल भी जाया ना करते हुए इस गुफा के रास्ते से पैदल ही जाएंगे। अपने अपने घोड़े यहाँ छोड़कर मेरे पीछे आओ। Thank you.
घबराओ मत सिपाहियों, वीर सिंह आगे बढ़ो, हमारा अगला कदम मेहर अंगेज की सल्तनत के सीने पर होगा। आओ। हम बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं। शहजादी आलम, हमें आजाद कर दीजिए। हरगिज नहीं। जब तक हमें गुल सनोवर की पूरी दास्तां मालूम नहीं हो जाती, तुम आजाद नहीं किए जाओगे। जानते हो, आज फिर हम अपने दरबार से ना कामो ना मुराद लौटे हैं। आज फिर हमें अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। आज फिर हमने एक बेगुनाह शहजादे को कत्ल का हुक्म सुनाया, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। कब तक, आखिर कब तक हम ये खूनी खेल खेलते रहेंगे? अगर हमने गुल सनोवर की मुकम्मल दास्ता को हासिल नहीं किया तो हम तुम्हारा भी वही हश्र करेंगे जो तुम्हारे साथी का किया है। हम तुम्हारी जिंदगी को अजाब बनाकर रख देंगे। हमारी जिंदगी पर रहम कीजिए शहजादी आलम, रहम कीजिए। हमें कुछ नहीं मालूम, हमारा यकीन कीजिए, हम कुछ नहीं जानते। गुल सनोवर के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। ये झूठ है, सरासर झूठ है। तुम गुल सनोवर की मुकम्मल दास्ता अच्छी तरह जानते हो, लेकिन मौत के खौफ ने तुम्हारे होठों पर ताला डाल दिया है। खुदा की कसम, हम तुम्हें कत्ल करा देते लेकिन हमारा मकसद अधूरा रह जाएगा, इसलिए हम तुम्हें जिंदगी का एक मौका और देते हैं। तुम्हारी वजह से हम एक बेरहम कातिल बन चुके हैं। हमारी आस्तीन, हमारा दामन खून से तर हो चुका है। वो इतने सर जो कटवाकर हमने अपनी महल की दीवारों पर लटका दिए हैं, किस लिए? किस लिए? हाँ, महज तुम्हारी वजह से। और तुम हमें गुल सनोवर की मुकम्मल दास्तान नहीं सुनाना चाहते? क्यों? आखिर क्यों? शहजादे आलम, अगर हम कुछ जानते तो आपको जरूर बता देते। हम तो खुद कोहे काफ छोड़कर दर बदर भटक रहे हैं। नहीं, तुमने कोहे काफ छोड़ा नहीं, तुम वहाँ से अपनी जान बचाकर भागे हो। हम सब जानते हैं, क्योंकि तुम्हारा वो साथी हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता चुका है। तुम जानते हो, सब कुछ जानते हो, इसलिए हमें बताओ कि गुल सनोबर की दास्ताने मोहब्बत क्या है, जिसे सुनने के लिए हम एक एक लम्हा तड़प रहे हैं, दीवाने पागल हो चुके हैं। या फिर ये कहो कि दो मोहब्बत करने वालों की यह हैरत अंगेज दास्तान झूठी है, महज एक कहानी है, एक अफसाना है। नहीं शहजादी आलम, नहीं, गुल सनोबर कोई झूठी कहानी, कोई अफसाना नहीं है। दो सच्ची मोहब्बत करने वालों के नाम हैं। अगर है तो बताते क्यों नहीं, क्या है आगे की दास्तान? शहजादी आलम, आज नहीं तो कल उनकी मोहब्बत सारी दुनिया जान लेगी। नहीं, दुनिया नहीं, इस दास्तान को सबसे पहले हम जानना चाहते हैं। हम, क्योंकि तुम जानते हो कि इस दास्तान को हासिल करने के लिए हम कितने ही शहजादों की जान ले चुके हैं। अरबिस्तान, पारिस्तान, नखलिस्तान, तुरान, ईरान, शाम, मिस्र, अजम, नजफ, इन तमाम शहजादों की गर्दनें काट कर हम अपने महल की दीवारों पर लटका चुके हैं। और आज फिर हमसे गुनाह, एक जुर्म होने जा रहा है। हमारे हुक्म पर आज फिर
एक मासूम शहजादे की गर्दन कलम की जा रही है। हमारे दामन पर एक कत्ल का एक और बदतमीज़ दाग लग रहा है। हमारे लौटने पर या तो तुम हमें कुल सनोवर की मुकम्मल दास्तान सुनाओगे या फिर अपनी मौत को गले लगाओगे। लगता है ये दीवार तोड़ नहीं पाएगी। शहजादे, इस गुफा में से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। आप ठीक कहते हैं शहजादे, आओ साथियों मेरे पीछे आओ। हमें इस गुफा में से निकलने के लिए फौरन कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आप ठीक कहते हैं शहजादे, इधर। ठहरो। कोई आकर नहीं बताएगा। क्या बात है नक्शा सनास? ये मिकनाटीसी गुफा का तिलिस्म है। वो देखो सामने पत्थर के बुत। आखिर ऐसी कौन सी बात है इन पत्थर के बुतों में? ये पत्थर नहीं है, इंसान है। ये इंसान है?
हाँ इंसान है, मगर अब ये पत्थर के बुत बन चुके हैं। मगर ये पत्थर कैसे हुए? ये मिकनातीसी गुफा का तिलिस्म है। अगर किसी ने भी यहाँ से गुजरते हुए इन बुतों की तरफ पलट कर देखा तो वो भी इन्हीं की तरह बुत बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमसे जरा से भी भूल हुई तो हम सब पत्थर के बन जाएंगे। बिल्कुल शहजादे आलम। घबराओ मत साथियों, हम सब इसी गुफा के रास्ते से निकलेंगे, लेकिन हमारा कोई भी साथी पलटकर इन बुतों की तरफ नहीं देखेगा, कोई भी किसी भी आवाज पर बढ़कर नहीं देखेगा। आओ मेरे साथ। मुझे तो ऐसा लगता है इस शैतानी गुफा से बाहर निकलने का यही एक रास्ता है। हाँ, इससे पहले कि हमारे ऊपर कोई और मुसीबत आए हमें फौरन यहाँ से निकलना चाहिए। इसे पकड़ो। कोई रास्ता नहीं है, सब जगह दलदल ही दलदल नजर आती है। नक्शा सनास पकड़ो इसे, घबराओ मत। आप लोग मेरी जान की परवाह मत कीजिए, आप लोग यहाँ से फौरन निकल जाइए। नहीं नहीं नक्शा सनास, तुम्हारी जान खतरे में, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकते। आप लोग मेरी जान की परवाह मत कीजिए, मेरी जान से कहीं ज्यादा कीमती शहजादे तमाज की जान है। आप लोग फौरन यहाँ से तुर्किस्तान जाइए और शहजादे तमाज की जान बचाइए। वीर सिंह, तुर्किस्तान के लिए यह रास्ता जाता है, आप लोग फौरन यहाँ से जाइए। यहाँ और ज्यादा रुकना खतरे से खाली नहीं। वीर सिंह, तुम इसकी हिफाजत करो, मैं तुर्किस्तान की तरफ रवाना होता हूँ। कई शहजादे, मैं आपको तुर्किस्तान अकेले नहीं जाने दूंगा, क्योंकि इस रास्ते में बहुत खतरा है और मैं आपकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है वीर सिंह, मुझे अपने भाई को बचाकर आलम पनाह से किया हुआ वादा निभाना है। आप फिक्र मत करो, आपको वीर सिंह के जीते जी आलम पनाह के सामने सर नहीं झुकाना पड़ेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अपने खून का कतरा कतरा बहा कर भी मैं शहजादे तहमास को वापस लेकर आऊंगा। ठीक है वीर सिंह, तुम जाओ।
शहजादा तुम्हें बचा लेंगे। शहजादे मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। तुम क्या शहजादे आप अपना ख्याल रखना। शहजादे सैभव की फिक्र मत करना। वीर सिंह अपना वादा पूरा करके ही वापस लौटेगा। मैं जा रहा हूँ शहजादे। खुदा हाफिज। क्या बात है शहजादे, बहुत परेशान नजर आ रहे हो। मैंने इससे पहले तुम्हें कभी इतना परेशान नहीं देखा। किस सोच में हो? हम इस वक्त आलमपनाह के बारे में सोच रहे हैं शाका। आलमपनाह के बारे में? हाँ शाका, आलमपनाह के बारे में। हमारे दरबार में ना हाजिर होने की वजह से आलमपनाह बहुत परेशान हो गए। पूरा महल अफसोस में डूबा हुआ होगा। और यह भी मुमकिन है कि वो लोग मुझे तलाश कर रहे हो। तलाश? यानी कि हिंदुस्तान में किसी को नहीं मालूम कि तुम तुर्किस्तान में हो? नहीं, हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता कि मैं तुर्किस्तान में हूं। तुमने आलमपनाह को भी नहीं बताया कि तुम तुर्किस्तान आ रहे हो? नहीं, दरअसल मैं शिकार खेलने निकला था, लेकिन हादसाती तौर पर मुझे तुर्किस्तान आना पड़ा। हादसाती तौर पर? हां शाका, मैं शिकार खेलते खेलते हिंदुस्तान की सरहद पार कर गया। फिर एक जंगल वीराने में मैंने एक सोने का तख्त देखा, जिसको देखकर मैं हैरान रह गया। सोने का तख्त? किसका था वो? जहांगीर शाह का। जहांगीर शाह? हां शाका, वो सोने का तख्त जहांगीर शाह का था, जिसकी तबाही का सबब यही जालिम मेहरंगेज है। मेहरंगेज? जहांगीर शाह का बेटा भी मेहरंगेज के सवाल का जवाब देने आया था, और जवाब ना मिलने पर उस जालिम ने उसका भी कत्ल कर दिया, और मैं उसी का इंतकाम लेने तुर्किस्तान आया हूं। तो इसका मतलब है कि इस समय पूरा हिंदुस्तान तुम्हारी तलाश कर रहा होगा? हां शाका, मुझे डर है कहीं मुझे तलाश करते हुए वो जहांगीर शाह तक ना पहुंच जाए। अगर वो जहांगीर शाह तक पहुंच गए तो जहांगीर शाह उन्हें मेरे यहां तक पहुंचने की पूरी दास्तान सुना देगा। तो तुम्हें डर है कि कहीं वो लोग तुम्हें तलाश करते करते यहां तक ना पहुंच जाए? हां शाका, मेरा छोटा भाई और वीर सिंह मेरी तलाश में मुझ तक पहुंचने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। डर किस बात का है? डर मेहरंगेज का है, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग इसके हाथों में पड़ जाएं और गिरफ्तार कर लिए जाएं। ऐसा मुमकिन नहीं है शहजादे कि वो लोग तुर्किस्तान की जमीन पर कदम रखें और शाका को खबर ना हो।
अगर वो लोग यहाँ आएंगे तो उनके आने की खबर हमें जरूर मिल जाएगी। खतरे की कोई बात नहीं। मेहर अंगेज के खतरे से पहले सरहदी डाकू जरगाम का खतरा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग उसके शिकंजे में फंस जाएं। समरीना, मैंने तुम्हें आजम से यहां किस लिए बुलाया है? पूरी तरह तो नहीं जानती, लेकिन अगर जरगाम अपना इरादा बयान करे तो ज्यादा बेहतर होगा। तुम्हें दुश्मनों की मौत बनकर महरंगेज के महल में जाना है। महरंगेज के महल में? हाँ, महरंगेज के महल में। तुम जानते हो जरगाम, तुम क्या कर रहे हो? हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है और तुम्हें वहां हर हालत में जाना है। वहां मेरी मौत यकीनन ही है, मुझे अपना कफन साथ लेकर जाना होगा। हाँ, तुम्हें अपना कफन साथ ही लेकर जाना होगा। तुम महरंगेज को जानते नहीं, अगर उसे मुझ पर जरा भी शक हो गया तो वो मुझे मार डालेगी। शहीद कहलाओगी तुम अगर अपने हक के लिए लड़ती हुई मारी जाओगी। क्या तुम वो जख्म भूल गई हो जो महरंगेज ने हमें दिए थे? क्या तुम्हें उन जवान मौतों का मातम याद नहीं जिन्हें महरंगेज ने कत्ल किया था? क्या तुम्हें उस कोहराम की चीखों पुकार याद नहीं जब हमारे भाइयों की लाशें हमारे सामने पड़ी थी? क्या तुम उस खून को भूल गई हो जो महरंगेज ने अजम की नालियों में बहाया था? अजम के लुटने का हर मंजिल याद है मुझे, सब याद है। जब हमारे अजीजों के जनाजे हमारे आंगन में रखे हुए थे, वो आंसू याद है जो अजम के हर आंख से छलक रहे थे। वो आग आज भी हमारे सीने के अंदर सुलग रही है। वो जख्म आज भी सरगाम के इस दिल पर ताजा है। उन मासूम बच्चों की चीखों पुकार आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। क्या हम उनका इंतकाम नहीं लेंगे? हम उनका इंतकाम जरूर लेंगे और यह मेरा हौसला है। अगर मेरी रगों में इंतकाम की आग नहीं होती तो मैं तुर्किस्तान तन्हा तन्हा नहीं आता। लेकिन यह इंतकाम की आग मेरे सीने में एक शीशे की दरार की तरह पड़ चुकी है और इस दरार को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं जोड़ सकती, कोई भी ताकत नहीं जोड़ सकती। जरगाम, मेरे अंदर की आग, मेरे अंदर का जज्बा मेरी बुजदली को ललकार रहा है। मैं जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी। शाबाश समरीना, शाबाश। तो महरंगेज के किले में दाखिल होकर उसके किले की दीवारों को खोखला कर दोगी, ये मेरा यकीन है। शाबाश। अगर मुझे जिंदा रहने का मौका मिला तो मैं उन सबको तबाह बर्बाद करके आऊंगी। महल के अंदर जाने के लिए तुमसे और कोई बेहतर नहीं है समरीना। मैं तुम्हारी बहन मर्जीना को भी महल के अंदर भेज सकता था, लेकिन महरंगेज का खास आदमी जिगाला उसे बहुत अच्छी तरह पहचानता है और मैं मर्जीना को महल में भेजकर किसी किस्म का कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। मर्जीना कहां है इस वक्त? वो इस वक्त एक खुफिया अड्डे पर मौजूद है जहां पर रहकर दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखना बड़ा आसान है, लेकिन वो भेष बदलकर तुम्हारी हर तरह से मदद करती रहेगी। फिलहाल महल तक पहुंचने के लिए मुझे किस तरह जाना होगा ये जानना बहुत जरूरी है। तुम्हें पहाड़ के खुफिया रास्तों के जरिए महल की तरफ जाना है जहां पर तुम पर किसी की नजर ना पड़े और तुम्हें अपने हर दुश्मन से चौकन्ना रहना है, खास तौर पर उस जिगाला से। जिगाला? हाँ समरीना, जिगाला। जिगाला महरंगेज का वो आदमी है जो किसी भी वक्त कहीं भी पहुंच सकता है। वो अक्सर तन्हा घूमता है। तुम अपने हुनर से काम लेना
और उसे अपनी वफादारी का यकीन दिला देना। वफादारी का यकीन? हाँ समझ। कुछ ऐसा करो कि वो तुम पर भरोसा कर बैठे, क्योंकि तुम्हारे हाथों होने वाला पहला कत्ल जिगाला का होगा। तुम फिक्र मत करो जरकाम, मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ। वो एक बार तो मेरे हाथों से बचकर चला गया, लेकिन जिगाला तुम्हारे हाथ से बचकर नहीं जाना चाहिए। कौन हो तुम और कहां से आ रही हो? अजम की रहने वाली हूँ। मेरा नाम समरीना है और अजम से आ रही हूँ। अजम से? लेकिन यहाँ किस लिए आई हो? अपनी बहन की तलाश में। कहाँ है तुम्हारी बहन? उसे डाकू सरगम उठा के ले गया। डाकू सरगम? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारी बहन डाकू सरगम के कब्जे में है? सरगम मेरी बहन को अजम से अगवा करके लाया है। लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि हम लोग अजम के रहने वाले हैं और जरगाम भी। उसने हमारे कबीले से कहा था कि उससे मिलकर हम मेहरंगेज से जंग करें। मेहरंगेज से जंग? लेकिन मेरे बाबा ने मेहरंगेज से जंग करने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? लेकिन इनकार की वजह क्या है? मेरे बाबा कबीले के सरदार हैं और वो बेफजूल मेहरंगेज से जंग नहीं करना चाहते थे। मेरे बाबा के बगावत पर जरगाम मेरी बहन को गिरफ्तार करके यहाँ ले आया। यानी वो लड़की जो जरगाम के साथ है वो तुम्हारी बहन है? हाँ, वो मेरी बहन है। जरगाम ने उसे डरा रखा है कि अगर वो उसका साथ नहीं देगी तो वो हमारे पूरे खानदान को कत्ल कर देगा। मर्जीना मजबूरन उसका साथ दे रही है। क्या जरगाम को इस बात की खबर है कि तुम अपनी बहन को तलाश करने यहाँ आई हो? हाँ, वो लुटेरा अच्छी तरह जानता है कि मैं यहाँ हूँ। उसने मुझे हलाक करने के लिए अपने आदमी भी भेजे थे, लेकिन मैंने उन सारे आदमियों का कत्ल कर डाला। तुमने जरगाम के आदमियों का कत्ल कर दिया? हाँ, मैंने जरगाम के आदमियों का कत्ल कर डाला। वहीं से लौट रही थी कि तुम मिल गए। तुम एक तुर्की हो ना? हाँ, मैं एक तुर्की हूँ। नाम है जिगाला। जिगाला? तुर्की मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो बहुत बहादुर होते हैं। बहादुरी नहीं बल्कि वफादार भी होते हैं। हम जब किसी के सामने अपने दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो उसके लिए अपनी जान भी निछावर कर देते हैं। कहो, क्या चाहती हो तुम? तुम्हारी मदद चाहती हूँ। क्या तुम अपने वतन वापस जाना चाहती हो? नहीं, जब तक मैं जरगाम का कत्ल नहीं कर देती और अपनी बहन को उसके हाथों से छुड़ा नहीं लेती, मैं यहाँ से हरगिज़ हरगिज़ नहीं जाऊंगी। जरगाम का कत्ल जरूर होगा और तुम्हारी बहन जरगाम के कैद से छुड़ा ली जाएगी। ये एक तुर्की का वादा है तुमसे। मैं खुद जरगाम की तलाश में हूँ। उसका मिलना बहुत मुश्किल है, वो अपने तमाम अड्डे बदल चुका है। उसका सुराग बहुत जल्द मिल जाएगा कि वो कहाँ है। मेरे आदमी उसके तलाश में चारों तरफ फैल चुके हैं। सिगाला, ये देखो लाश, किसकी हो सकती है? ये लाश आपको कहां से मिली?
सिगाला हमारा दस्ता अपनी सरहदों की निगरानी करता हुआ इस रास्ते से गुजरा था कि अचानक हमारी नजर इस लाश पर पड़ी। ये शख्स है कौन और ये मरा कैसे? ये शख्स तुर्की नहीं हो सकता हसन शाह, तो ना ही अपनी मौत मरा है, इसका कत्ल हुआ है। क्या कहा, कत्ल? बड़ी बुरी तरह से इसका कत्ल किया गया है। इसके जिस्म पर जख्मों के निशान इस बात के गवाह हैं। कहीं ये लाश किसी साजिश का ऐलान तो नहीं? सिगाला, हमें हर हाल में इस बात का सुराग लगाना पड़ेगा कि ये लाश किसकी है। हमें सुराग जरूर मिलेगा हसन शाह, जरूर मिलेगा कि ये लाश किसकी है। ये हमारे खिलाफ कोई साजिश है या बाकी कोई हादसा? सल्तनत हिंदुस्तान। हिंदुस्तान? हाँ सच्चा, यह हिंदुस्तान की तलवार है। तो मुमकिन है यह शख्स हिंदुस्तान का कोई सिपे सालार हो? शक की कोई गुंजाइश नहीं, यह शख्स हिंदुस्तान का सिपे सालार ही है। इसका सबूत है तलवार। यह तलवार कोई मामूली तलवार नहीं, एक सिपे सालार की तलवार है। सिगाला, अगर यह शख्स हिंदुस्तान का सिपे सालार है तो फिर इसके यहां आने का मकसद क्या हो सकता है? इसी मकसद तक पहुंचना हमारा काम है। हिंदुस्तान के सिपे सालार की लाश हिंदुस्तान के शहजादे की मौजूदगी इस बात की गवाही देती है कि ये लोग अकेले नहीं है, ये अपना लश्कर साथ लाए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं सिकाला कि ये लोग हम पर खुफिया हमले की तैयारी करने में लगे हों? हमें एक एक मंसूबे की खबर हासिल करनी होगी। लाश हमें दुश्मनों के इरादे तक पहुंचने में काम आएगी। हम इसे सबसे पहले बैरंगेज के हवाले करेंगे। शहजादे, हम जिसकी तलाश में निकले थे वो यही मौजूद है। अगर इजाजत हो तो जिगाला के साथ साथ मैं इन सबको भी कुचल कर रख दूं। ये जोशो जज्बात का वक्त नहीं है शाका, इतने लोगों का मुकाबला करना बिना हथियार के बेवकूफी होगा, हिमाकत होगा। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते शहजादे। इस वक्त ये लोग बिल्कुल बेखबर हैं। अगर हमने अचानक हमला करके सिगाला को खत्म कर दिया तो इन सब के हौसले टूट जाएंगे। मौके की नजाकत समझने की कोशिश करो शाका, ये मामला मुझे बहुत संगीन लगता है। वो लाश देखो। वो लाश किसी तुर्किस्तानी वजीर की लगती है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो लाश किसी तुर्किस्तानी वजीर की है। मतलब वो लाश मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है। लेकिन शहजादे, हमें कैसे पता चलेगा वो किसकी लाश है? शाका, हमें हर हाल में पता लगाना है कि वो लाश किसकी है। क्या हमारे लिए उस लाश का पता लगाना बहुत जरूरी है? यकीनन जरूरी है। ये लाश मेरे शक की तमाम दीवारें गिरा सकती है, मेरे तमाम राजों पे से पर्दा हटा सकती है। हमारा उस लाश को हासिल करना बहुत जरूरी है शाका। जरा सोचो, उस लाश तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? शहजादे, खंजर। वीर सिंह, क्या हुआ शहजादे? जिसका शक था वही हुआ। मतलब किसका खंजर है ये? हिंदुस्तान के सिपे सरदार वीर सिंह का। वीर सिंह? हाँ वीर सिंह। इस खंजर को देखने के बाद मेरा शक यकीन बदल गया है कि यह खंजर भी वीर सिंह का है और वो लाश भी वीर सिंह की थी। वो लाश वीर सिंह की थी? हाँ, वो लाश वीर सिंह की थी। मैंने तुमसे कहा था ना कि जब वीर सिंह को मालूम पड़ेगा कि मैं तुर्किस्तान में हूँ तो वो मुझे तलाश करता हो यहाँ तक जरूर पहुंचेगा। सवाल तो ये पैदा होता है शहजादे कि अगर वीर सिंह आपको ढूंढने निकला था तो उसकी मौत कैसे हुई? उसका कातिल कौन है? ये राज अब हमको मेहरंगेज के महल से हासिल हो सकता है। वीर सिंह की लाश मेहरंगेज तक पहुंचना ठीक नहीं होगा शहजादे, क्योंकि वो हमारी तमाम साजिशों को नाकाम करने की कोशिश करेगी और हम उसकी तमाम साजिशों को नाकामयाब कर देंगे। लेकिन सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि वीर सिंह का कातिल कौन है। मैं यकीन से कह सकता हूँ शहजादे, वीर सिंह का कत्ल डाकू जरगाम ने किया।
अब जिगाला के वजूद को खाक में मिला दिया जाएगा। वो मेहरंगेज का अपना सा गुलाम अपनी हैसियत अपने मर्तबे से उठकर बातें करने लगा है। वो जरगाम का कत्ल करेगा, जरगाम का। जरगाम अजम से उठने वाले एक तूफान का नाम है और जिगाला उसके सामने एक टिमटिमाते हुए दिए की तरह है। हल्के से हवा के झोंके के साथ बुझ जाएगा। अब जिगाला के मौत के परवाने पर मोहर लग चुकी है जरगाम। अब सल्तनत तुर्किस्तान की तारीख एक एक करके अपने जवानों के सर कटा देगी और मेहरंगेज के महल के दीवारों पर इन तुर्कियों के खून से एक ही नारा लिखा होगा, इंतकाम इंतकाम। कसम है मुझे अपने बुजुर्गों के जलो जलाल की, कसम है मुझे अपने जवानों की मौत की, कसम है मुझे मेहरंगेज के जुल्म और सितम की, कसम है मुझे अपनी रगों में बहते इस खून की। जब तक तुर्किस्तान की गलियां इन तुर्कियों के खून से लबरेज नहीं हो जाती, हमारी तलवारें मैदान में नहीं जाएंगी, बिल्कुल नहीं जाएंगी। मुझे महल तक पहुंचने की देर है जरगाम। जिस दिन मैं मेहरंगेज के महल में दाखिल हो गई, महल में एक ऐसी साजिश जन्म लेगी कि सारा महल बगावत के शोले में लिपट कर रह जाएगा। महल में दाखिल होने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं मिलेगा समरीना। रास्ते में आने वाली हर रुकावट को चूर चूर करके रख देना। तुम फिक्र मत करो जरगाम, जिगाला पूरी तरह मेरे कब्जे में है। मैं हर हाल में महल तक पहुँच के रहूंगी। रुकावट की बड़ी सी बड़ी दीवार अब समरीना का रास्ता नहीं रोक सकती। मैं दुश्मनों की बुनियाद हिला कर रख दूंगी। महल के अंदर पहुंचकर आसमानी कहर की तरह टूट पड़ना उन जालिमों पर, एक एक को मौत के घाट उतार कर तुम्हें अपनी फतेह का ऐलान करना है। उसके बाद मैं पूरी तैयारी के साथ मेहरंगेज के महल पर हमला करूंगा। मेहरंगेज के महल से गुजरने वाली नहर का पानी उसके सिपाहियों के खून से सुर्ख हो जाएगा। पहली बार में खून बहाना खतरे से खाली नहीं होगा सरगाम। मेरा इंतकाम इससे भी ज्यादा खौफनाक होगा। मेरा खंजर दुश्मनों के खून नहीं बहाएगा। खून नहीं बहाएगा? तुम कहना क्या चाहती हो समरीना? मैं बिना हथियार उनसे मुकाबला कर सकती हूँ। मुझे अपने दुश्मनों को मारने के लिए किसी खंजर या तलवार की जरूरत नहीं है। मैं समझा नहीं समरीना, कि तुम हथियारों के बिना उनका मुकाबला कैसे करोगी? जहर देकर। जहर देकर? हाँ, जहर देकर। मेरे इस खंजर के दस्ते में तिरियाज जहर छुपा हुआ है। ये वो जहर है, अगर मैंने इसका एक बूंद महल के औज में डाल दिया तो पानी सारे महल को मौत की नींद चला देगा। देखो समरीना, काम बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर तुम महल के हौज में जहर डालने में कामयाब हो गई तो मैं तुम्हें अजम की सुल्ताना बना दूंगा। ये जरगाम का वादा है। काम तो बहुत मुश्किल है और ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मेरी जरा सी गलती मेरी गर्दन उड़ा सकती है, लेकिन मैं दुश्मनों के वार से कभी गाफिल नहीं रहूंगी। मैं मेहरंगेज के खास कनीजों में शामिल होकर वो काम कर जाऊंगी जो उसने ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा होगा। एक ही रात में सारा महल मौत की नींद सोचाएगा। समरीना, जिगाला की मौत हमारे इंतकाम की पहली सीढ़ी है। जाओ और एक जहरीली नागन की तरह मेहरंगेज के महल में घुसकर अपने दुश्मनों को ठस लो। कोहिकाफ की उस मासूम लड़की अजरा के तबूत का पता लगाओ कि मेहरंगेज ने उसे अपने अजायब खाने में कहां छुपाकर रखा है। जाओ और मेहरंगेज की बेरहम दुनिया में मौत का साया बन के छा जाओ। ये लड़की पहाड़ों पे और जगह। चलो ये लड़की रुक जाओ, इससे पहले कि तू हमारे हाथों कत्ल कर दी जाए, बता कौन है तू? इससे पहले कि हम तेरा सर काट कर इनवादियों में फेंक दे, हमें सच सच बता कि तू कहां से आई है और किस तरफ जा रही है। बता कौन है तू? इससे पहले कि तेरी सांसों का सिलसिला खत्म हो जाए, हमारा खंजर तेरे जिगर के पार हो जाए, बता लड़की तेरा मेहरंगेज के साथ रिश्ता क्या है? जो एक दुश्मन का दुश्मन के साथ होता है। दुश्मन? हाँ, दुश्मन का। मैं जानती हूँ कि तुम मेहरंगेज के वफादार हो,
लेकिन इस खुददार सर की कसम, अगर गर्दन तलवार पे भी रखी जाएगी तब भी मैं यही कहूंगी कि मेहरंगीज मेरी दुश्मन है, दुश्मन है। ए लड़की, हमें अपनी जज्बाती बातों में उलझाने की कोशिश मत कर, सच्चाई बयान कर। क्या सबूत है तेरे पास कि तू मेहरंगीज की दुश्मन है? किसी गवाही की जरूरत नहीं, आंखें सच्चाई बयान करती हैं, पढ़ने वाले के सीने में जिगर चाहिए। तुम्हारी मेहरंगे से दुश्मनी की बुनियाद क्या है? कोई भी इमारत बड़ी सी बड़ी दीवार पर क्यों ना रखी गई हो, लेकिन उसकी बुनियाद नजर नहीं आती। मैं भी बताना नहीं चाहती। लड़की, शायद तुम हमें नहीं जानती। बहुत अच्छी तरह तुम मुझे बगावत के जुर्म में मेहरंगीज के सामने पेश करोगे और मेरे लिए मौत का परवाना तलब करोगे। नहीं लड़की, शायद तुम हमें गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें सही समझ रही हूँ। मौत से ज्यादा संगीन सजा और क्या हो सकती है, लेकिन मुझे अपनी मौत का कोई गम नहीं होगा। मुझे इस बात की खुशी होगी कि मैं अपनी गर्दन इसलिए कटाने जा रही हूँ कि मैंने मेहरंगीज के खिलाफ आवाज उठाई थी। लेकिन इस तरह मेहरंगीज के सामने गर्दन कटाने से कोई फायदा ना होगा। फायदा है, कम से कम मेहरंगीज के जुल्म सताई हुई एक कमजोर लड़की की जान दुनिया के बड़े बड़े रुस्तमों को यह एहसास तो दिलाएगी कि मेहरंगीज के जुल्म के खिलाफ एक लड़की ने अपनी गर्दन कटाई थी। अगर तुम वाकई मेहरंगीज की दुश्मन हो तो इस ख्याल को भूल जाओ कि वो तुम्हारा कत्ल कर सकती है। आज के बाद जो भी तुम्हारी तरफ आंख उठा के देखेगा उसे अपनी आंखों से महरूम कर दिया जाएगा। इसका मतलब तुम लोग मेहरंगीज के आदमी नहीं हो? हम मेहरंगीज के आदमी नहीं, बल्कि हम तो खुद मेहरंगीज के दुश्मन हैं। हाँ, हम मेहरंगीज के दुश्मन हैं। मेरा नाम शाका है और ये शहजादा हिंदुस्तान है। इन्हें भी मेहरंगीज से अपना इंतकाम लेना है। हाँ, हम लोग एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं। हमारी मंजिल और मकसद एक ही है। जो इंतकाम की आग तुम्हारे दिल में लगी है, वही इंतकाम की आग हमारे सीनों में सुलग रही है। मेहरंगीज से जंग एक अटल फैसला है। यह जरूर है कि मेहरंगीज के पास जंग के लिए एक बहुत बड़ा लश्कर है और हमारे पास सिर्फ हौसला, सिर्फ हौसला है। जीत उन्हीं की होती है जिनके पास हौसला होता है शहजादे। यकीनन जीत हमारी होगी, क्योंकि हम सच्चाई पर हैं और आज से तुम भी हमारे साथ शामिल। अब बताओ लड़की, तुम कौन हो और कहां से आई और कौन सा मकसद लेकर तुम मेहरंगीज की तरह बढ़ना चाहती? मैं अजम की रहने वाली हूँ और मेरा नाम समरीना है और मेहरंगीज को कत्ल करना मेरा मकसद है। लेकिन उससे पहले मैं मेहरंगीज के अजायब घर तक पहुँचना चाहती हूँ। अजायब घर? हाँ, अजायब घर। ऐसी क्या खास बात है उस अजायब घर में? एक कोया काफी लड़की की लाश है। कोया काफी लड़की की लाश? कौन सी कोई काफी लड़की की लाश है? क्या नाम है इसका? अजरा। अजरा? शाका, कहीं ये वही अजरा तो नहीं जो जियाक की बहन है? हाँ, अजरा उसी जियाक की बहन थी जो मेहरंगीज की कैद में है। तो क्या तुम जियाक को जानती हो? बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। जियाक और जरीन दोनों दोनों एक बार फिर गिरफ्तार कर लिए गए और अजरा को मेहरंगीज ने कत्ल करा दिया। अजरा का कत्ल? मेरा यकीन करो, अजरा कत्ल हो चुकी है और उसका कातिल जिगाला है। उसका कातिल जिगाला है? हाँ, जिगाला ही उसका कातिल है। उसने उसका कत्ल करके उसे मेहरंगीज के हवाले कर दिया और अजरा की लाश उसके अजायब घर में है जिसे मैं हासिल करना चाहती हूँ। लेकिन तुम वहाँ तक पहुँचोगे कैसे? इसके बारे में हमें संजीदगी से सोचना पड़ेगा। अब वहाँ तक पहुँचना मुश्किल नहीं है शहजादे, क्योंकि मैंने जिगाला को अपने कब्जे में ले लिया है और वो ही मुझे मेहरंगीज के दरबार तक ले जाएगा। मैं जिगाला को ऐसी मौत मारूंगी कि वो सोच भी नहीं सकता। तुम जल्द से जल्द जिगाला को मिलने की कोशिश करो और महल में दाखिल होते ही तुम्हारा पहला काम होगा जिगाला को हलाक करना। अब तुम जिगाला तक पहुँचने में देर मत करो समरीना, जाओ।
अजम की कद्दार और कमजोर लड़की, तेरी पाकिस्की, तेरी मासूमियत, तेरी सादगी एक ढोंग है ढोंग। तू अजम की वो लाचार और मजबूर लड़की नहीं, तू तो एक धोखेबाज और फरेबी निकली, जिसने मेरे यकीन और भरोसे के छाती में छुरा घोंप दिया। क्यों किया तुमने ऐसे, क्यों किया? तू वो नहीं हो सकती जिसके पाक दामन पर मैं सजदा कर सकता। अजम की बेईमान और धोखेबाज लड़की जो मेरे ईमान के दामन पर बदनुमा दाग है, यह नरम हाथ जो फूल की शाख न तोड़ सके वो जिगाला को हलाक करेंगे, इससे पहले कि तेरी सांसें तेरे सीने में घोंप दी जाएं, पता किसने भेजा है तुझे? कौन जिगाला को हलाक करना चाहता है? अब तू जिगाला की हमदर्दी नहीं, सिर्फ मौत हासिल करेगी। मौत, मौत! तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। जो शख्स तुर्कियों के साथ गद्दारी करे, हम उसे कभी माफ नहीं करते। मेरा यकीन करो जिगाला, मैं गद्दार नहीं हूँ, मेरा यकीन करो। जिगाला दुश्मन के किसी बात पे यकीन नहीं करता लड़की। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, दुश्मन तो वो लोग हैं जो तुम्हारा कत्ल करना चाहते हैं, जो तुम्हारी शहजादी का कत्ल करना चाहते हैं। तू सिर्फ अपनी जिंदगी बचाना चाहती है। मैं अपनी जिंदगी नहीं बचाना चाहती हूँ। तुम चाहो तो मेरा कत्ल करके महरंगीज के हवाले कर देना, मैं उफ तक नहीं करूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें सच्चाई सुननी पड़ेगी। बताओ क्या बताना चाहती हो, क्या है सच्चाई? वो दोनों मुझसे तुम्हारा ठिकाना पूछ रहे थे, वो तुम्हारा कत्ल करना चाहते हैं, तुम्हारी तलाश कर रहे हैं। तू झूठ बोलती है। मेरा यकीन करो जिगाला, शाखा कह रहा था कि तुम एक बार उसके हाथों से बच चुके हो, इस बार वो तुम्हें नहीं जाने देगा। वो दोनों मुझे तुम्हारा यार समझते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया था। अगर मैं उनसे झूठ नहीं कहती तो वो मुझे भी मार डालते। आज मैं तेरी वजह से वो लोग जिगाला के हाथों से निकल गए, क्योंकि मैं तेरी सच्चाई जानना चाहता था कि तू कौन है, दोस्त या दुश्मन। मेरा यकीन करो जिगाला, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए मैंने उनसे ये कहा कि मेरा इरादा तुम्हें कत्ल करने का है। हकीकत तो ये है कि उनका इरादा तुम्हें कत्ल करने का है। वो लोग जिगाला को कत्ल करेंगे, वो जिनकी कोई हैसियत ही नहीं। जिगाला का कदम तो क्या, अगर जिगाला की परछाई भी उन पर पड़ गई तो वो लोग वही जमीन में दफन हो जाएंगे। उन्हें कमजोर मत समझो जिगाला, उनके इरादे बहुत खतरनाक हैं। मैं उनका एक एक राज जान चुकी हूँ। सुन लड़की, तुझे मेरे साथ चलना होगा और महरंगेज के सामने दुश्मनों के इरादे बयान करने होंगे। और तुम इसे कहां लेकर जा रहे हो? मैं आप ही के पास आ रहा था शहजादी। यह अजम की वही लड़की है जिसे मैंने शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया है। लेकिन तुम्हारा शक, तुम्हारा गुमान गलत साबित हुआ है, क्योंकि यह लड़की हमारी गद्दार नहीं, वफादार निकली है। यही कहना चाहते हो ना तुम? हाँ शहजादी, यह लड़की हमारे दुश्मनों के बारे में, उनके इरादों के बारे में बहुत कुछ बताना चाहती है। क्या तुम वाकई सच्चाई बयान करना चाहती हो कि दुश्मन हमारे खिलाफ कहां तक अपना कदम उठा चुका है? हाँ शहजादी आलम, दुश्मन आपके खिलाफ अपने इरादों में कामयाब होने के पूरे मंसूबे बना चुका है, और शहजादी के अजीम शान सल्तनत का तख्त उलटने की पूरी कोशिश में है। मैं दुश्मन की साजिश और उनके खौफनाक इरादों की चश्मदीद गवाह। एक अजनबी जगह पर एक अनजान लड़की हमारे सामने हमारे दुश्मनों के राज की गवाही दे, हम इस करम फरमाई, इस मेहरबानी को क्या समझे? मुझे यकीन था शहजादी आलम कि मैं आपके शक के दायरे में जरूर आऊंगी, लेकिन हकीकत तो यह है कि ये कनीज कोई मक्कार, धोखेबाज या फरेबी नहीं है। मैं अपने दुश्मन का सुराग ढूंढते हुए यहाँ तक आई हूँ। अजम की लड़की का दुश्मन और यहाँ? दुश्मन यही है और उसी की तलाश मुझे यहाँ तक लाई है। कौन है वो? लड़का
जुल्काम, एक अर्जुन की लड़की अर्जुन के रहने वाले की दुश्मन हो, कुछ अजीब सा नहीं लगता? तारीख गवाह है, सच्चाई पे मर मिटने वाले शहंशाहों ने अपने ताज ठुकरा दिए। बाप ने बेटे को सरेआम कत्ल कर दिया, भाई ने भाई को सूली पर चढ़ा दिया। यानी कि तुम्हारे और जरगाम के दरमियान उसूलो इंसाफ की जंग है, इसलिए तुम उससे इंतकाम लेने आई? हाँ शहजादी, मैं जरगाम से अपना इंतकाम लेने यहाँ आई थी। क्या तुम्हें पूरा यकीन था कि जरगाम तुर्किस्तान में है और मेहर अंगेज के खिलाफ एक साजिश तैयार कर रहा है? हाँ, मैं अच्छी तरह जानती थी कि जरगाम तुर्किस्तान में है। तुम्हारी जरगाम के साथ दुश्मनी की बुनियाद क्या है? मेहर अंगेज। मेहर अंगेज यानी? वो चाहता था कि मेरे वालिद उसके साथ मिलकर मेहर अंगेज के खिलाफ तलवार उठाए। और तुम्हारे वालिद ने हमारे खिलाफ जंग करने से इनकार कर दिया? हाँ, इसलिए वो हमारे कबीले का दुश्मन हो गया और हमारे कबीले के लाखों लोगों का खून बहा दिया उसने, और मेरी बहन को अगवा करके अपने साथ यहाँ ले आया। तब तो तुम्हारी दुश्मनी जायज है लड़की, तुम फिक्र मत करो, जरगाम से खून के एक एक कतरे का इंतकाम हम लेंगे। आज से तुम हमारी पनाह में हो। जिगाला, इस लड़की को हमारी कनीजों में शामिल किया जाए। आज से ही हमारे साथ हमारे महल में रहेगी और इसका इंतकाम जरगाम से हम लेंगे। मेरे सरफरोश बहादुरों, यह है सल्तनत तुर्किस्तान का वो पहला पहाड़ जिसे पार करने के बाद हमारे सफर की हद शुरू होती है। यह पहाड़ हमारे सफर का पहला दरवाजा है। इस पहाड़ के पीछे मेहर अंगेज का वो महल है जिसमें वो आराम करती है। हम इसी जगह पर अपने हथियार लेकर इकट्ठा होंगे और हमारा पहला हमला यहीं से होगा। हमारा पहला हमला रात के अंधेरे में होगा, जब सारा महल गहरी नींद सोया होगा। हम इसी जगह से दुश्मन की हरकत पर नजर रखेंगे। दरगाह, कौन है तू लड़की? एक पैगाम है जो तुम्हारे लिए पैगाम लेकर आई है। किसकी तरफ से भेजी गई है? हिंदुस्तान के शहजादे की तरफ से। हिंदुस्तान का शहजादा क्या चाहता है? दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है। इसलिए? मेहर अंगेज से इंतकाम लेने के लिए। कौन सा इंतकाम? वो मैं नहीं जानता। देख लड़की, अगर तुझे हिंदुस्तान के शहजादे ने भेजा है तो तू हमारी मेहमान है, लेकिन अगर तू मेहर अंगेज की अयार निकली तो तू नहीं, यहाँ से तेरी लाश जाएगी। अगर मैं मेहर अंगेज की अयार होती तो पीछे से तुम्हें आवाज न देती, अपना खंजर तुम्हारे पीठ में उतार देती, क्योंकि मेहर अंगेज को जरगाम चाहिए, जिंदा या मुर्दा। और जरगाम को मेहर अंगेज का सर। जरगाम अपना घर, अपना वतन, अपनी आलीशान जिंदगी छोड़कर इन बर्फीली घाटियों में आराम परस्ती के लिए नहीं आया। सरगाम को बेसर उस्मानी की जिंदगी गुजारने का कोई शक नहीं। मुझे इंतकाम चाहिए, इंतकाम। और मेहर अंगेज को उसका खुदा बचाए तो बचाए, वरना उसे सरगाम से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। जो मंजिल सरगाम की है वही शहजादे हिंदुस्तान की, इसीलिए शहजादा सरगाम से मिलना चाहता है। अगर शहजादे की भी वही मंजिल है जो मेरी है, अगर उसका इंतकाम भी वही है जो मेरा है, अगर उसके सीने में भी वही आग है जो मेरे दिल में है, तो जरगाम उसे जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। डाकू जरगाम, दूर दूर तक जिसके नाम के चर्चे हैं, आज उसके दीदार भी हो गए। सुना है शहजादे कि तुम हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हो। हाँ, लेकिन इससे पहले हम एक राज जानना चाहते हैं। वीर सिंह का कत्ल किसने किया? वीर सिंह का कत्ल? कौन वीर सिंह? वो वीर सिंह जो हमारा सिपे सरार था। नहीं शहजादे, वीर सिंह का कत्ल मैंने नहीं किया। जरगाम सिर्फ उन्हीं का कत्ल करता है जो मेहर अंगेज के साथ है। मेहर अंगेज के दुश्मनों को जरगाम अपने सीने से लगाता है। उसका कत्ल जरूर किसी और ने किया होगा। हमें शक था कहीं वीर सिंह का कत्ल तुमने तो नहीं किया। नहीं शहजादे, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो हम दोनों मिलकर
वीर सिंह के कातिल की तलाश करेंगे। खैर, हम तुमसे मिलने के बहुत ख्वाहिशमंद, इसीलिए तुम्हें तलाश कर रहे हैं। इसीलिए मैं सोच रहा था कि ये लड़की मुझे किस तरह पहचान। दरअसल मैं यहाँ की एक कबायली लड़की, एक कोहरे काफी लड़की के साथ मैंने आपको कई मर्तबा देखा, इसलिए आपको पहचान। इसका मतलब ये हुआ कि अजरा तुम्हारे पास थी। हाँ, अजरा मेरे पास थी। मैंने कई मर्तबा उसे कहा था कि वो कोहे का वापस चली जाए, मगर अफसोस कि उसका खत्म कर दिया गया। हम भी उसकी मदद करना चाह रहे हैं। पुराने जख्मों की याद मत दिलाओ शहजादे, जख्म ताजा हो जाता है। मेरी आंखों में खून उतर आता है और मेरा जी चाहता है कि मैं महरंगेज के टुकड़े टुकड़े कर दूं। है ये हमारी और तुम्हारी मुलाकात का वक्त, पुरानी रंजिशें याद करने का। अपने बारे में कुछ सुना है, तुम आजम के सुल्तान हो और तुम्हारे सुल्तानी तेवर ने दूर दूर तक तलवार की धाक जमा रखी है। वो शानो शौकत, वो खुशियां, वो इज्जत सब अफसाने और कहानियां बनकर रह गई हैं शहजादे, कुछ भी बाकी नहीं रहा, सब बर्बाद हो गया। चंद दिनों के मंदिर थे, मैंने अपनी आंखों से वो मंदिर देखे हैं जो मेरी आंखों को नहीं देखने चाहिए थे। मैंने अजम को अपनी आंखों से जलते हुए देखा है, घरों में पड़े हुए जनाजे, मां बहनों की आंखों में आंसू, उदास बच्चों के चेहरे, और सरकाम मुस्कुराना भूल गया सिर्फ उस शहजादी की वजह से। मुझे अपने हमवतनों का इंतकाम लेने के लिए मेहरंगेज के खिलाफ जंग छेड़नी पड़ी। दिन घोड़े की पीठ पर और रात वीरानों में गुजरने लगी, और मेरी दौलत एक हाथ में लगाम और दूसरे हाथ में तलवार, रेशम के तकिए पर सर रखकर सोने वाला सुल्तान आज पत्थर पर टेक लगाकर सोता है। जब भी मेहरंगेज की जुल्म की दास्तान दोहराई जाती है, जिगर चीर कर देती है। जब भी कोई मेहरंगेज की जुल्म का सताया हुआ मिलता है, उसकी एक दर्दनाक कहानी होती है। जहांगीर शाह की भी एक दर्दनाक कहानी, बिल्कुल तुम्हारे तरह कहानी। तो क्या तुम भी जहांगीर शाह की कहानी सुन चुके हो? मैं उनकी कहानी नहीं बल्कि उनसे रूबरू मिल चुका, और मैं उन्हीं के बेटे का इंतकाम लेने तुर्किस्तान आया। ठीक है शहजाद, अब हम दोनों मिलकर इंतकाम लेंगे। आज से तुम मेरे दोस्त ही नहीं, मेरे जिगरी दोस्त हो। आज के बाद मैं महरंगेज की हुकूमत का तख्ता पलट के रख दूंगा। हमारे दुश्मनों की तादाद हर रोज बढ़ती जा रही है, कुछ ऐसे हैं जो सामने से वार करेंगे, लेकिन हमें उन दुश्मनों से होशियार रहना पड़ेगा जो पीठ पर वार करने का मौका तलाश कर रहे हैं। वो लोग जिन्होंने हमसे दुश्मनी का खुला ऐलान किया है, वो तो हमारे दुश्मन है ही, लेकिन वो दुश्मन जो दोस्त बनकर सामने की सफों में खड़े हैं, उन्हें हमारा पहचाना बहुत जरूरी है। शहजादी, सल्तनत के गोशे गोशे में अपने अय्यारों को फैला दिया गया है। सल्तनत में घुसने वाला हर वो आदमी जिसे शक की नजर से देखा जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तुम्हारी क्या तैयारी है हसन शाह? शहजादे आलम, सल्तनत की तमाम सरहदों पर नई चौकियां बना दी गई हैं, और उन चौकियों पर हमारे तमाम सैनिक तैनात कर दिए गए। अब तुर्किस्तान की सरहदों में किसी भी दुश्मन का दाखिल होना नामुमकिन सी बात है। खुशफहमी में मुब्तिला होने की जरूरत नहीं है हसन शाह, दुश्मन हमारी सरहदों में ऐलान करके नहीं दाखिल होगा, वो किसी भी भेस में अंदर आ सकता है, इसलिए हर शख्स पर पूरी पूरी नजर रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हुक्म की तामील की जाएगी शहजादी आलम। हम अपने दुश्मनों से कभी इतने संजीदा नहीं थे, क्योंकि हमारे सामने उनकी औकात, उनकी हैसियत ही क्या थी। हम उनकी तरफ यूं अपनी जलाली आंखों से देख लेते
तो उनके जिस्म से शोले भड़क उठते। दुश्मनों की तादाद चाहे जितनी हो, वो चाहे जितना भी ताकतवर हो, उसका अंजाम वही होगा जो शहजादी चाहेंगे। सिकाला, हम अपने दुश्मनों से बाखबर तो थे, लेकिन हिंदुस्तान के सिप्पे सालार वीर सिंह की लाश ने हमें चौकन्ना कर दिया, और इस लाश का यहाँ मौजूद होना इस बात की गवाही देता है कि वीर सिंह यहाँ अपने लश्कर के बिना नहीं आया था। इसलिए हमारे खिलाफ एक अंदरूनी साजिश तैयार की जा रही है, वरना हिंदुस्तान का शहजादा हमसे इंतकाम लेने के लिए तन्हा आने की जुर्रत नहीं करता। वो बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा शहजादी आलम, हमारे सिपाही दिन रात उसकी तलाश में लगे हुए। हाँ, उसने खुद अपनी तकदीर के कागज पर हमारे हाथों से अपनी मौत लिख दी है, लेकिन ये दुश्मन वाकई हमारी दुश्मनी के लायक है। इस शहजादे के लश्कर को तलाश करो, ताकि हमें ये पता चल सके कि उसके सिपाही कहाँ कहाँ छुपे हैं, और कोशिश ये करो कि ये कमजोर शहजादा सरगाम तक न पहुंचने पाए, क्योंकि दो मजबूत दुश्मन हमारे लिए खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। जिगाला, शहजादी की परेशानी कोई मामूली परेशानी नहीं है। अगर हिंदुस्तान का शहजादा वाकई जरगाम के साथ मिल गया, तो वो दोनों मिलकर हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। जिगाला, हमें दुश्मन को ढूंढने में वक्त जरूर लगेगा, लेकिन ये नामुमकिन है कि तुर्कों की शहजादी को दुश्मन के सामने सर झुकाना पड़े। नहीं हसन शाह, दुश्मन में इतना हौसला नहीं कि वो हमारे सामने हमारे रूबरू आकर हमसे मुकाबला करे। वो सिर्फ छुप कर वार कर सकता है। वो छुप कर ही वार कर रहे जिगाला, चाहे वो महल के बाहर हो या महल के अंदर। महल के अंदर? हाँ जिगाला, महल के अंदर। दुश्मनों की साजिश जो महल के बाहर है, वही महल के अंदर पनप रही है। तुम कहना क्या चाहते हो संजय? जिगाला, मैं उस अनजान लड़की के बारे में कह रहा हूँ। समरीना के बारे में, जिसे मैं लिख रहा हूँ? हाँ जिगाला, जिसे तुमने शहजादी से मिलाया था, मैं उसी लड़की के बारे में बोल रहा हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो? जिगाला, मुझे इस लड़की पर शक है, वो जरूर किसी मंसूबे के तहत इस महल के अंदर दाखिल हुई है। नहीं है संजय, ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि वो लड़की शक के काबिल है? शक के काबिल है जिगाला, क्योंकि महल के अंदर मैंने उस लड़की की आंखों में किसी चीज की तलाश देखी है। तलाश? हाँ जिगाला। कहाँ देखा तुमने उस लड़की को संजय? वो तुम्हें महल में कहाँ मिली? कल सुबह सूरज निकलने से पहले मैंने उसे महल के पायबाग में देखा था। वो लड़की उसी रास्ते पर जा रही थी जो रास्ता शहजादी के अजायब घर की तरफ जाता है। अजायब घर? तुमने उस लड़की को अजायब घर की तरफ से आते हुए देखा? हाँ जिगाला, मैंने अपनी आंखों से उसे इसी रास्ते पर जाते हुए देखा। अगर वो लड़की उस तरफ गई थी तो किस वजह से गई होगी? तुम अच्छी तरह से जानते हो जिगाला कि अजायब घर में अजरा की लाश रखी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़की अजरा के ताबूत तक पहुंचना चाहती हो? मुमकिन है हसन शाह, हो सकता है वो लड़की अजरा की तलाश में हो, और ये भी हो सकता है कि वो लड़की कोई काफ की हो। हसन शाह, अजायब घर का पहरा बढ़ा दो और उस लड़की पे कड़ी नजर रखो। कल मैं शहजादी से जाकर कहूंगा कि अजरा के ताबूत को किसी और जगह रखवा दे। तुम ये क्यों चाहते हो कि अजरा की लाश का ठिकाना बदल दिया जाए? इसलिए कि दुश्मन को इस ठिकाने का इल्म हो चुका है शहजादी। दुश्मन का अजरा की लाश से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है शहजादी। इसलिए तुम्हें शक है कि वो अजरा की लाश को हमारे अजायब घर से गायब कर देंगे? हाँ शहजादी, दुश्मन किसी भी बहाने से अजरा के ताबूत तक पहुँचने की पूरी कोशिश करेगा। अगर हमारा कोई दुश्मन अजरा की लाश तक पहुँचना चाहता है तो ये उसकी नादानी है, क्योंकि अजरा की लाश हमारे अलावा और किसी के काम की नहीं है। ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता शहजादी, क्योंकि दुश्मन दो तरह के हैं। एक वो जो शहजादी को खत्म करना चाहते हैं, और दूसरे वो जो जिहाक और जरीन को आजाद करवाना चाहते हैं, ताकि शहजादी को गुलसन और की दास्तान हासिल न हो। दुश्मन को अपना मंसूबा बनाने दो जिगाला, किसी भी मकसद में कामयाब होना इतना आसान नहीं है। हमारी नजर सिर्फ अपनी मंजिल पर है, और उस मंजिल को पाने के लिए हम जो भी कदम उठाएंगे बहुत सोच समझ कर उठाएंगे। ये मत समझो कि हम अपने आसपास के माहौल से बेखबर हैं। एक एक शख्स पर हमारी नजर है कि कौन अपना है और कौन पराया है। तो क्या वो लड़की शहजादी के शक के दायरे में है, जिसे
शहजादी ने अपने खास कनीजों में शामिल किया है। ये राज वक्त आने पर खुल जाएगा जिगाला कि वो लड़की हमारी वफादार है या गद्दार है, और हमने उसे अपने खास कनीजों में शामिल किया है तो क्यों किया है? अगर शहजादी चाहे तो उसे वापस भेज दिया जाए। बेशुमार कनीजे हैं जो शहजादी की खिदमत कर सकती है। नहीं जिगाला, वो लड़की हमारी कनीजों में ही शामिल रहेगी। मुझे डर है शहजादी, कहीं वो लड़की जिहाक और जरीन तक पहुंचने की कोशिश न करे। नहीं जिगाला, वो वहां तक नहीं पहुंच सकेगी क्योंकि हमने उनके कैद खाने को बदल दिया है। क्या जिहाक को इस बात का पता चला कि उसकी बहन की लाश शहजादी के पास महफूज है? नहीं जिगाला, वो लोग ये नहीं जानते कि अजमा मर चुकी है और उसकी लाश हमारे अजायब घर में है। पहले हम उनसे एक आखिरी मुलाकात करेंगे, शायद इस बहाने हमें गुल सनोबर का सुराग मिल सके। सुराग जरूर मिल जाएगा शहजादी, क्योंकि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हमें कोहे काफ तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए। एक शख्स है जो कोहे काफ का रास्ता जानता है, लेकिन वो हमारा दुश्मन है इसलिए वो हमें बताएगा नहीं। कौन है वो शहजादी? शाखा। शाखा, वही शाखा जिसने मुझे हलाक करने की कोशिश की थी? हाँ वही, क्योंकि वो फरगाना कबीले का है जो कोहे काफ के आस पास है। अगर हम उसे जिंदा गिरफ्तार कर लेते हैं तो वो हमारे बहुत काम आएगी। जरगाम हमारे लिए बहुत काम की चीज है, वो हमारा सच्चा दोस्त है, और तुम्हारा शक कि वीर सिंह का कत्ल जरगाम ने किया है गलत। अगर वो वीर सिंह का कातिल नहीं है तो कौन हो सकता है? उसका कातिल कौन है इस बात का सुराग तो लगी जाएगा, लेकिन एक बात तय है कि वीर सिंह का कत्ल जरगाम ने नहीं किया। फिर भी शहजादे, एक डाकू की जुबान पर इतना भरोसा अकलमंदी नहीं है। नहीं शाखा, जरगाम एक बहुत भरोसेमंद आदमी है, हमने उसकी आंखें पढ़ी तभी उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उससे दोस्ती की बुनियाद मेहरंगेज से इंतकाम तो नहीं? बिल्कुल, मेहरंगेज से इंतकाम के लिए मैंने उसके वजूद को सुलगते हुए देखा है। मेहरंगेज का जिक्र आते ही उसकी आंखों में खून उतर आता है। एक डाकू का मेहरंगेज से इंतकाम लेने का मकसद क्या है? दरगाम की वही दुख भरी कहानी है जो तुम्हारी है, जहांगीर शाह की। क्या उसका भी इंतकाम वही है जो हमारा है? हाँ शाका, उसका भी वही इंतकाम है जो हमारा है, और वो डाकू नहीं है, वो आजम का सुल्तान है, लेकिन हालात ने उसे डाकू बना दिया। और वो गरीबों को कभी नहीं लूटता, वो तो सिर्फ मेहरंगेज के साथियों को लूटता है, उसके दरबारियों को लूटता है। यानी जरगाम इस काबिल है कि उस पर पूरा भरोसा किया जा सकता है? यकीनन वो इस काबिल है, वो एक जीदार इंसान है, मैंने उसमें जुनून की एक कैफियत देखी है। वो शख्स जो अपनी सुल्तानी ठुकरा कर नेता मेहरंगेज से मुकाबला करने के लिए निकल पड़े, उसमें खुद कितना हौसला होगा। अगर वो वाकई सच्चा दोस्त है और उसमें हौसला है, अगर उसके खून में भी इंतकाम का वही जोश है जो हमारी रगों में दौड़ रहा है, तो बाखुदा हम मेहरंगेज के गरूर को रेजा रेजा कर सकते हैं। हमें मेहरंगेज के मुकाबले के लिए लाखों के लश्कर की जरूरत नहीं, हमें जरगाम जैसे उस हिम्मत वाले की जरूरत है जो लाखों के सामने तन्हा खड़ा हो सकता है। मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर जरगाम जैसे चंद लोग हमें शामिल हो जाएं, तो वो दिन दूर नहीं जब मेहरंगेज का सर हमारे कदमों में होगा। मेहरंगेज को शिकस्त देनी है तो हमें उसकी कमजोरियां पर वार करना होगा। कमजोरियां? कैसी कमजोरियां? जिहाक और जरीन। जिहाक और जरीन, वो कोहे काफी कैदी? हाँ वही, वो मेहरंगेज की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर हमने किसी तरह उन दोनों को महल से अगवा कर लिया तो समझो हमने मेहरंगेज के खिलाफ जंग जीत ली। उनको अगवा करने का बंदोबस्त हो चुका है? हो चुका है, यानी जिहाक और जरीन का अगवा? हाँ, जरगाम की एक यार लड़की मेहरंगेज के महल में दाखिल हो चुकी है, और वो उसकी खास कनीजों में शामिल भी है, और वो ये तलाश कर रही है कि जरीन और जिहाक को मेहरंगेज ने कहां छुपा रखा है। लेकिन उससे पहले शाखा मेहरंगेज के तहखाने तक पहुंच जाएगा। नहीं शाखा, मेहरंगेज का तहखाना मौत का गार है, तुम्हारा वहां जाना खतरे से खाली ना होगा। नहीं शहजादे, मैंने मेहरंगेज के तहखाने तक जाने के लिए एक सुरंग तैयार कर ली है। सुरंग? हाँ शहजादे, वो सुरंग वही जाकर निकलती है जहां मेहरंगेज ने अजरा का ताबूत रखा है। अगर ये बात है तो वो ताबूत मैं अगवा करके लाऊंगा। नहीं शहजादे, उन गुफाओं से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ मैं जानता हूँ, और नामुमकिन है
शाखा के होते हुए आपकी जान को खतरे में डाला जाए। आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर हम अजरा का ये ताबूत अगवा करने में कामयाब हो गए तो हमारी ये फतेह का पहला तीर मेहरंगेज के कलेजे के पार होगा। हमारे कैद खाने के अंधेरों ने तुम्हारी अना, तुम्हारी खुददारी को कुचल कर रख दिया। नहीं, फितरत को दबाया नहीं जा सकता। अना कुचलने के बाद ही रंग लाती है शहजादी। फलसफे की दहली से बाहर कदम रखकर हकीकत की दुनिया में देखो। तुम्हारी हर सांस हमारे हुक्म की मोहताज है। हमारे एक इशारे पर तमाम उम्र के लिए अंधेरों का मुकद्दर बना दिया। यादों के उजाले तकदीर के अंधेरों में रोशनी भर देंगे। तुम्हारी उम्मीद की हर शमा, हर रोशनी को बुझा दिया जाएगा। बुझती चिंगारियों से आरजुएं फिर जन्म ले लेंगी। फना कर दिया जाएगा तुम्हारी तमाम आरजुओं को। हमारा जुल्म गवारा करते करते तुम्हारे जिस्म की ताकत घट गई, लेकिन वो सुल्तानी तेवर नहीं गया। तुम हमें नहीं जानते नादान। हमारी सजाओं की इंतहा कभी खत्म नहीं होगी। तुम्हारी सजाएं शर्मिंदा हो जाएगी शहजादी। हमारे हौसले की उम्र बढ़ती जाएगी, कभी खत्म नहीं होगी। शहजादी, जिगाला के लिए बात नाकाबिले बर्दाश्त है कि कोई काफ के आदना गुलाम आपसे संतास में बात करे। आपके शख्सियत के सामने कोई गर्दन तकबर से तनी रहे ये जिगाला को बर्दाश्त नहीं। ये बेअदब रहम के काबिल नहीं, मौत के काबिल है। नहीं जिगाला, हम वक्त से पहले इनकी जिंदगी का खात्मा नहीं करना चाहते। वैसे भी ये हमें बेहद अजीज हैं, हमारे लिए अनमोल है, नायाब है, क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों से कुल सनोबर को देखा है। जिन्हें देखने की तमन्ना हम रखते हैं, हमने इन्हें यहाँ कत्ल करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि हमने इन्हें महज इसलिए बुलाया है ताकि हम ज़िहाक से ये पूछ सके कि शायद वो अज़रा नाम की लड़की को जानता हो। अज़रा? हमें इस बात की खबर थी कि तुम लोग उसे जरूर जानते होगे, लेकिन इस बात का इकरार नहीं करोगे कि वो तुम्हारी कौन है। अगर तुम लोग उसे नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम बताई देते हैं कि वो कोहे काफ की लड़की है जो हमारी कैद में है, और हमें गुल सनोबर और कोहे काफ के बारे में बहुत कुछ बता चुकी है। इसलिए अब उसका जिंदा रहना हमारे लिए मुनासिब नहीं है। नहीं, नहीं शहजादी, नहीं। उसे कत्ल करने का जुल्म मत करना, उसकी जान मत लेना। उसे आजाद कर देना शहजादी, उसे आजाद कर देना। क्यों? वो लड़की आखिर तुम्हारी कौन है? वो मेरी बहन है शहजादी, मेरी बहन। उस मासूम का कत्ल मत करना, उसकी उसकी जान बख्श देना। चलो हम उसकी जिंदगी बख्श देते हैं, लेकिन इसके सिले में तुम हमें क्या दोगे? अज़रा की जिंदगी के सदके में तुम उससे जो भी मांगोगी मैं देने के लिए तैयार हूं। अगर तुम अपनी जुबान से फिरे तो हम बाखुदा तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन की गर्दन उड़ा देंगे। नहीं, नहीं शहजादी, नहीं। मेरी बहन की जिंदगी मुझे मुझे बहुत अजीज है, और उसकी जिंदगी के लिए मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, अपनी जान तक। तो फिर हमें सुनाओ कि गुल सनोबर की दास्ता क्या है, और सनोबर तक पहुंचने के लिए कोहे काफ का रास्ता क्या है। मैं तैयार हूं शहजादी, मैं तैयार हूं। नहीं सिहाक, नहीं। इसमें शहजादी की कोई साजिश जरूर है। जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना कि हमें शर्मिंदा होना पड़े। लड़की, हाँ, हम गुल सनोबर की दास्तां और कोहे काफ का रास्ता बताएंगे, लेकिन उस वक्त जब तुम अज़रा को हमारे सामने जिंदा लेकर आओगे।
हम अजरा को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। तो फिर हम तुम्हारे सामने अजरा को जरूर पेश करेंगे। जिगाला, हमने अजरा की लाश को इसलिए महफूज किया था कि वो कभी हमारे काम आ सके। अगर हमने ज़िहाब के सामने अजरा को पेश करने का वादा किया है तो हम उनसे वादा खिलाफी नहीं करेंगे। लेकिन शहजादी, अजरा तो मर चुकी है, हमारे पास सिर्फ उसकी बेजान लाश है। हम उन्हें कैसे यकीन दिलाएंगे कि अजरा जिंदा है? उन्हें हम यकीन दिलाएंगे जिगाला कि अजरा जिंदा है। लेकिन कैसे? वो जब तक अपनी आंखों के सामने अजरा को जिंदा नहीं देखेंगे, वो आपको गुल सनोवर की दास्तान नहीं सुनेंगे और ना ही कोई काफ जाने का रास्ता। तुम्हें इसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है जिगाला। अजरा उनके सामने जिंदा पेश की जाएगी। जिंदा? हाँ, अजरा जिंदा पेश की जाएगी। लेकिन अब अजरा जिंदा कैसे हो सकती है? यही तो कमाल है कि हम अजरा को किस तरह जिंदा करेंगे। दरअसल हमने मुल्के यमन से एक नकाश को बुलाया है जो अजरा की लाश का चेहरा देखकर किसी भी लड़की को हूब बहू अजरा की शक्ल में बदल देगा और उसका हर अंदाज वैसा ही होगा जैसा अजरा का था। इसीलिए तो हमने अजरा की लाश को इतनी हिफाजत के साथ यहाँ महफूज रखा था। आज मैं शहजादी की अक्ल पर हैरान हो गया। जाओ जिगाला, यमन का यह नक्काश अजरा की शक्ल देखने को बेचैन है। उसका ताबूत बाहर निकालो ताकि उसकी लाश को हम महल लेकर जा सके और ये नक्काश उसके जैसी हू बहू लड़की बना सके। जाओ। मैं खुद हैरान हूँ शहजादी, ताबूत कहाँ गायब हो गया? कौन है वो शख्स जो मेहर अंगेज की रूह को तार तार कर गया? कौन है वो शख्स जो मेहर अंगेज के वजूद को जख्मी कर गया, हमारे माथे पर शिकस्त की मोहर दाग गया? एक बात याद रखना जिगाला, हमने जिंदगी में कभी शिकस्त का मुंह नहीं देखा। गायब होने वाली अजरा की लाश कहीं हमारे दामन पर शिकस्त का धब्बा ना बन जाए। शहजादी, नहीं, शिकस्त आपका दामन तो क्या, आपके दामन के हवा को भी नहीं छू सकता। जिगाला आपके दामन पर शिकस्त का दाग नहीं लगने देगा, जमीन आसमान झुका कर रख देगा आपके कदमों में। दुश्मनों ने आपको नहीं, जिगाला के जुनून को ललकारा है। जिगाला के जुनून को कायनात की कोई भी दीवार अब जिगाला को दुश्मनों तक पहुंचने से नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती शहजादी।
चाहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये ताबूत किसका है? अच्छा हुआ राहिल तुम मुझे मिल गए, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हमें इस ताबूत को लेकर निकलना है, इससे पहले कि महरंगेज के आदमी यहाँ पहुंच जाए, हमें इस ताबूत को लेकर निकलना चाहिए। लेकिन कहाँ? ये लाश किसकी है? ये अजरा की लाश है। अजरा की लाश? हाँ राहिल, मैं इसे महरंगेज की खास गुफा से अगवा करके लाया हूँ, और ये लाश हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इस लाश को लेकर हम जाएंगे कहाँ? महरंगेज के सिपाही तो यहाँ चप्पे चप्पे में फैले हुए हैं। हमें किसी भी कीमत पर इस लाश को लेकर जाना है राहिल, चाहे इस लाश के लिए हमें हजारों लाखों लाशें क्यों ना बिछानी पड़े। तुम फिक्र मत करो शाका, हम इस लाश को महरंगेज के आदमियों से पूरा बचाने की कोशिश करेंगे। हमें किसी भी तरह इस लाश को बचाना है, वरना आज वो जालिम शहजादे इस लाश को इसके भाई जियाक के सामने पेश करने वाली थी। क्या ये वही कोहेकाफ की लड़की है जिसका भाई महरंगेज की कैद में है? हाँ ये कोहेकाफ की वही लड़की है जिसका भाई महरंगेज की कैद में है। मैं एक सुरंग के जरिए उस गुफा तक पहुंच गया। मैंने जरीन और जिहाद को भी तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। मालूम नहीं महरंगेज ने उन्हें कहां कैद करके रखा है। वो भी आजाद कर लिए जाएंगे शाका, लेकिन पहले इस ताबूत को लेकर हम यहां से चलते हैं। हिंदुस्तान का शहजादा एक खास ठिकाने पर हमारा इंतजार कर रहा है, हमें इस ताबूत को लेकर वहीं जाना है। चलो साथियों जल्दी चलो, इससे पहले कि दुश्मन हम तक पहुंचे हमें यहां से निकल जाना चाहिए। चलो रुक जाओ, एक कदम भी आगे बढ़ाने की जरूरत मत करना, क्योंकि जहां तुम खड़े हो वही तुम्हारी जिंदगी है। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मौत के आगोश में आ जाओगे। जिगाला, उस मर्तबा तो तेरी किस्मत तुझे बचा कर ले गई थी, लेकिन इस बार तेरे फरिश्ते भी तुझे नहीं बचा सकते। मौत का ऐलान मत कर शाखा, अगर मेरी मौत तेरे हाथों नहीं लिखी तो तेरी लाखों बाजू भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये जिगाला का ईमान है, तेरी भलाई इसी में है कि तू इस ताबूत को यही छोड़ जा। ये शहजादी महरंगेज की अमानत है और जिगाला इसे लेने आया है। अगर जिगाला को अपने इरादों पर इतना घमंड है तो ये ताबूत उसके हवाले नहीं किया जाएगा। हम इस ताबूत की हिफाजत का वादा कर चुके हैं, इससे पहले हमारे भाले तेरे हलक के आर पार हो जाएं, हट जा हमारे रास्ते से, वरना हमसे टकराने की गलती तुझे खाक में मिला देगी। अगर तू ये नहीं चाहता कि तेरी लाश को भी इसी तरह ताबूत में रख दिया जाए तो हमसे टकराने का इरादा छोड़ दे। जालिम शहजादी के जर खरीद गुलाम, तेरी बाजुओं में अभी इतना दम नहीं जो हमें इस ताबूत को ले जाने से रोक सके। इससे पहले हम तेरी जिंदगी का खात्मा कर दें, चला जाए यहाँ से। खामोश खामोश, अब जिगाला तुम्हारी बेकफन लाशों को यही दफन करके जाएगा। टूट पड़ो उस पर आसमानी कहर की तरह और टुकड़े टुकड़े कर दो इसके। ये, 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 राहिल तुम अपने साथियों के साथ इस ताबूत को लेकर निकल जाओ और शहजादे तक पहुंचने की पूरी कोशिश करो। मैं से यही रोकता हूँ। Yeah!
तेरी जिंदगी का फैसला शहजादी मेहरंगेज के हाथों होगा। ये शख्स कौन है जिगाला? ये वही शख्स है शहजादी, जिसने आपके अजायब घर से अजरा का ताबूत अगवा करने का गुनाह किया है। अगर ये वही गुनेगार है तो अभी तक इसके कंधों पर इसका सर सलामत किस तरह है? इसके जिस्म पर ये जख्म हमारी उम्मीद से कम क्यों है जिगाला? इसके शरीर पर हमारी सजाओं के इतने घाव होने चाहिए थे जो कि गिने बिना जाते। महर अंगेज की अमानत की तरफ बढ़ने वाली हाथ अपने बाजुओं से जुड़े किस तरह है? तुमने इन्हें काट कर फेंक क्यों दिया जिगाला? मैं यकीनन इसे खत्म कर देता शहजादी, लेकिन अभी तक अजला का ताबूत हमारे हाथ नहीं लगा है। तो कहाँ है वो ताबूत? तुम बिना ताबूत के महर अंगेज के सामने आए किस तरह? जवाब दो, कहाँ है वो ताबूत? किसके कब्जे में है? ताबूत अभी तक इसी के आदमियों के कब्जे में है शहजादी। एक जबरदस्त जंग के बाद वो लोग ताबूत लेकर फरार हो गए। जिंदगी लुटा देते उस ताबूत को हासिल करने के लिए जिगाला, लेकिन उस पर से अपना कब्जा नहीं छोड़ते। शहजादी, जब तक शाखा हमारे कब्जे में है वो ताबूत हमें जरूर मिलेगा। तुम्हें कुछ पता है कि वो लोग ताबूत को कहां लेकर गए हैं? हाँ शहजादी, शाखा उनसे बार बार चीख चीख कर यही कह रहा था कि ताबूत शहजादे के हवाले कर दो, शहजादे के हवाले। शहजादा? यानी कि हिंदुस्तान का शहजादा? हाँ शहजादी, हिंदुस्तान का शहजादा। वो लोग ताबूत लेकर उसी के पास गए हैं। यानी कि साजिश में हिंदुस्तान का शहजादा शामिल है? जी हाँ शहजादी, अजरा का ताबूत यकीनन उसी की शह पर अगवा किया गया है। जंग की शुरुआत तो उसने बहुत ही हौलनाक की है जिगाला। अब हम उसे जवाब देंगे कि महर अंगेज के सोए हुए फन पर अपना हाथ रखने का अंजाम क्या है। इस बदनसीब शख्स को यहाँ से ले जाओ और महर अंगेज के जुल्म के अंधेरों में से गर्क कर दो। शहजादे को तलाश करो और उसे और अजरा के ताबूत को हमारे सामने खींच कर लाओ। शहजादे आलम, शहजादे आलम। शहजादे आलम, ये ताबूत। ताबूत यानी अजरा का ताबूत? हाँ शहजादे आलम, ये अजरा का ताबूत है। मगर तुम लोगों को ये ताबूत कहां से मिला? शाखा से। शाखा से? और शाखा कहां है? शाखा वहीं पर है। वहीं यानी कहां? शाखा ने कहा था कि वो खुद ताबूत लेकर इसी जगह पर आएगा। हम उसका यही इंतजार कर रहे थे। हम इस ताबूत को लेकर शाखा के साथ यहीं आने वाले थे शहजादे, लेकिन 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 क्या हुआ? क्या हुआ वहां पर? हम लोग अजरा के ताबूत को लेकर वहां से निकले थे, लेकिन जिगाला वहां पहुंच गया। जिगाला? हाँ, और उसने हमसे ताबूत हासिल करने के लिए जंग छेड़ दी। और आप लोग खड़े तमाशा देखते रहे। कत्ल करना कर दिया उस महर अंगेज के जर खरीद गुलाम का। हम यकीनन उसका कत्ल कर डालते शहजादे, लेकिन ये ताबूत हमारे कब्जे में था। इस ताबूत को लेकर हमें वहां से भागना पड़ा। और शाखा कहां है? शाखा को जिगाला के साथ लड़ने के लिए वहीं ठहरना पड़ा। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी भूल की कि शाखा को अकेला तन्हा वहां छोड़ा है। हम लोग आने के लिए तैयार नहीं थे शहजादे, लेकिन शाखा के कहने पर हमें वहां से आना पड़ा। उसने हमसे कहा था ताबूत बचाना बहुत जरूरी है, इसलिए हमें ताबूत को लेकर आपके पास आना पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि वो वहीं पर है? हाँ शहजादे, अब तक वो वहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शाखा के साथ वो खतरा पेश आया, वरना वो आने में इतनी देर न लगाता। कहीं मेहर अंगेज ने उसे कैद तो नहीं कर लिया? Yeah!
ठहरो जिगाला, जिगाला। बताओ हमें, अज़ा का ताबूत कहाँ है? वो शहजादा कहाँ है? कहाँ छुपाए वो? बताओ हमें। हरगिज नहीं शहजादी, अब वो ताबूत तू कभी हासिल नहीं कर पाएगी। हमसे नजर झुकाकर बात कर दिया तब, कहीं तो अपनी आंखों से महरूम ना कर दिया जाए। इससे पहले कि हम अपने तीर तेरी आंखों में उतार दें, बता दे कहाँ है वो शहजादा और कहाँ है वो ताबूत। जानने के बावजूद कि सारी दुनिया महरंगेज से निगाह मिलाते हुए थरथराती है, तेरी ये जुर्रत कि तुम महरंगेज की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके? हाँ, मेरी आंखों की जुर्रत जंग का ऐलान है शहजादी। अब तुम अपनी तबाही का मंजर खुद अपनी आंखों से देखोगी। तेरी ये हिम्मत कि तूने शहजादी के सामने बुलंद आवाज में बात की, तुझ जैसे बेअदब को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। रुक जाओ सिगालर, रुक जाओ। नहीं शहजादी, इस गुस्ताख ने आपके शान में बेअदबी की है, इस गुस्ताख का मर जाना ही बेहतर है। हम तुमसे कहते हैं छोड़ दो इसे, इसका अभी मर जाना मुनासिब नहीं है। बोलने दो इसे, हम भी देखना चाहते हैं कि ये कितना बोलता है। अफसोस, अफसोस कि मैं शहजादी का हुक्म ठुकरा नहीं सकता, वरना तेरी निकलने वाली ये आवाज तेरी जिंदगी की आखिरी आवाज होती। इसकी जिंदगी तो वैसे भी हमारे रहमो करम की मोहताज है जिकाला, लेकिन हम इसे मारेंगे नहीं। मुझे मौत का कोई खौफ नहीं है शहजादी, मेरा मकसद अपनी जान की हिफाजत करना नहीं बल्कि तुम्हारी सल्तनत का तख्ता उलटना है। मिटा कर रख दिए जाएंगे तख्ता उलटने वाले, निकाल दी जाएंगी वो आंखें जो महर अंगेज की तबाही का ख्वाब देखेंगी। महर अंगेज की तबाही का ख्वाब किसी एक आंख का नहीं, अब सैकड़ों तलवारें महर अंगेज के खिलाफ उठ चुकी हैं। उठने वाली हर तलवार तोड़ दी जाएगी, महर अंगेज के पास मुकाबला करने वाली बाजुओं की कमी नहीं। महर अंगेज की एक एक बाजू को काट कर रख दिया जाएगा, वो जिब्रान जिगाला जिन पर शहजादी नाज करती है हलाक कर दिए जाएंगे। दुनिया में अभी ऐसे सुरमाओं ने जन्म नहीं लिया जो महर अंगेज के दिलों को शिकस्त दे सके। कौन है वो जो हमारे सामने ठहरने का हौसला रखता हो? है तुम्हारे गरूर का सर काटने वाली तलवार हिंदुस्तान के शहजादे की है, तुम्हारी ताकत को उखाड़ कर फेंकने वाले बाजू जरगाम के हैं। हम एक हो चुके हैं शहजादे, और हमारा इंतकाम तुम्हारा नामो निशान मिटा कर रख देगा। हमें तुम्हारी नादानी पर कोई अफसोस नहीं है शाका, तुम हमारे लिए बहुत ही कीमती हो। एक तो ये कि अज़ा का ताबूत तुम्हारे पास है, और दूसरा ये कि कोहे काफ का रास्ता सिर्फ तुम जानते हो। हम तो वैसे भी तुम्हारी तलाश में थे, अब तुम हमेशा हमेशा के लिए हमारी कैद में रहोगे। देखना ये है कि तुम्हें बचाने के लिए कौन आता है। जिकाला, इसे हमारे कैद खाने के खौफनाक अंधेरों में डाल दो। अब इसकी रिहाई सिर्फ एक ही शर्त पर होगी कि हिंदुस्तान का शहजादा अज़ा का ताबूत हमारे हवाले कर दे। मर्जीना, बेवक्त इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा कि अज़ा का ताबूत तुम्हारे हवाले करना था। क्या ये वाकई अज़ा का ताबूत है? हाँ, ये अज़ा का ताबूत है, और अब से इसकी हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप बेफिक्र रहे शहजादे, अज़ा का ताबूत पूरी हिफाजत के साथ हमारे पास रहेगा। ये नामुमकिन सी बात है कि कोई इस तक पहुँच भी सके। इस ताबूत की हिफाजत अब तुम्हें करनी है मर्जीना, क्योंकि महरंगेज के आदमी भी इसकी तलाश में हैं, और उन्होंने शाका को गिरफ्तार भी कर लिया है। कोई फिक्र की बात नहीं, अगर शाका को गिरफ्तार कर लिया गया है, अगर महरंगेज ये समझती है कि शाका की रिहाई के बदले वो अज़ा का ताबूत हासिल कर लेगी, तो वो उसकी गलतफहमी है। अब तमाम उम्र वो इस ताबूत को हासिल ना कर सकेगी। ताबूत न मिलने की वजह से कहीं शहजादी शाका का कत्ल न कर डाले। अगर वो ऐसा करेगी तो तुर्किस्तान तुर्किस्तान न रहेगा, जंग का मैदान बन जाएगा, और तवारीख तुर्कियों की मौत हमारे तलवार से लिखेगी। हमारा पहला कदम होगा शाका को छुड़ाना, उसको आजाद कराना। लेकिन महरंगेज के तहखाने तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है शहजादे आलम। लेकिन नामुमकिन तो नहीं, जब हम तने तना हिंदुस्तान से सैकड़ों मील यहाँ तक आ सकते हैं तो महरंगेज का तहखाना क्या है? पहुँच तो सकते हैं शहजादे, लेकिन वो रास्ता नहायत ही खतरनाक है। महरंगेज के सिपाही चप्पे चप्पे में फैले हुए हैं, और शाका की हिफाजत के लिए चारों तरफ पहरा लगा हुआ है। ऐसे में हमारा वहाँ जाना मौत का सबब बन सकता है। खामोश, अगर आइंदा हमारे सामने बुजदिली की बात की तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। मौत को खौफ उन्हें होता है जिनका ईमान और यकीन कमजोर होता है, मगर याद रखना, खर की मौत से मैदान जंग की मौत कहीं बेहतर है।
हमें तुम्हारे सहारों की जरूरत नहीं। हमारे साथ लड़ने वाले बाजुओं की ताकत जितनी ही कम होगी, हमारे हौसले की ताकत उतनी ही ज्यादा होगी। हम शाका को आजाद कराने चाहेंगे एकदम तन्हा। हमारी जिंदगी और मौत आपके साथ है शहजादे आलम, हम आपके साथ ही जाएंगे। अगर शहजादे को महरंगेज के खुफिया तहखानों पर हमला करना है तो ये हमला जल्द से जल्द करना होगा। जल्द से जल्द नहीं, आज अभी और इसी वक्त। तो फिर आज की रात से ज्यादा अच्छा मौका और कभी नहीं मिलेगा शहजादे, क्योंकि आज की रात जरगा महरंगेज की जंगी साजो सामान वाली चौकियों पर हमला कर रहा है। महरंगेज के सिपाही अपनी चौकियां बचाएंगे, तुम आसानी से उसकी गुफा में दाखिल हो सकते हो। तुम फिक्र मत करो मर्जीना, आज शाका को आजाद कराने के लिए महरंगेज के ऊंचे से ऊंचे तहखाने की दीवार को गिरा दिया जाएगा। सुबह का सूरज निकलने से पहले शाका महरंगेज की कैद से आजाद करा लिया जाएगा। आवाज आ रही पहले कि मेहरंगेज के सिपाही यहां पर आ जाएं, हमें इसे लेकर फरार हो जाना है। जल्दी करो।
अपने जख्मों की परवाह मत करो शाका, मत करो। तुम्हारे एक एक जख्म का हिसाब लिया जाएगा मेहरंगेज से। ये जख्म तुम्हारे जिस्म पर नहीं, हमारे सीने पर दाग गए, और इसका इंतकाम भी हम लेंगे। हम मुझे इन जख्मों का मलाल नहीं है शहजादे, ये जख्म मेरा गरूर है। मुझे इस बहते हुए खून की कसम, मैंने मेहरंगेज के आगे सर नहीं झुकाया। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर जंग का ऐलान किया है, जंग का ऐलान। हमें तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम मेहरंगेज के सामने सीना तान कर बात करोगे। अब देखना शाका, हमारी ललकार मेहरंगेज के वजूद को हिला कर रख देगी। मेहरंगेज की कैद से रिहाई हमारी फतेह का पहला नकारा है। अब मैं जाऊंगा मेहरंगेज के सामने पूरी तलवार लेकर। नहीं शाका, जब तक तुम्हारे जख्म धोए नहीं जाते, तुम किसी जंग में शरीक नहीं हो सकते, और तुम्हारा ठीक हो जाना शर्त है। शर्त अजरा के ताबूत के हिफाजत की है शहजादे। उसका बंदोबस्त कर दिया गया है। अजरा का ताबूत बड़ी हिफाजत के साथ मर्जीना के हवाले कर दिया गया है। मर्जीना जो जरगाम का दायां बाजू है, और जरगाम तक पहुंचना किसी के बस की बात नहीं। जरगाम, अजम के बुजदिल लुटेरे, अगर हौसला था तो मेरे सामने से आकर हमला किया होता। तूने मेरे पीछे मेरी पनाह पर हमला किया, लेकिन अब जिगाला हरगिज खामोश नहीं रहेगा। जवाब देगा तेरी हर ललकार का। किस वक्त जरगाम ने हमारे ठिकानों पर हमला किया था, किस वक्त? काफी रात गुजर चुकी थी, हमारे सिपाही सोने की तैयारी कर रहे थे। कितना लश्कर था उसके साथ? अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसके साथ कुछ आदमी थे। लानत है तुम लोगों पर जो चंद आदमियों का मुकाबला नहीं कर सके। तुम्हें तुर्की कहलाने का कोई हक नहीं। शर्मिंदा किया है तुमने तुर्कियों के गुरूर को। एक अकेला शख्स तुर्कियों के गुरूर का सर काट कर चला गया, और तुम लोग अपनी तलवारें म्यान में डाले खड़े रहे। हलाक कर देना था एक एक को, सर काट डालने थे एक एक के। इस तुर्किस्तान के सरजमी पर तुर्कियों की नहीं, दरगाम के आदमियों की लाशें बिछी होनी चाहिए थी। हम मजबूर थे सिकाल, वो दुश्मन का हर बार रोकने वाली तुम्हारी ढाले कहां थी? फेंक दो अपने हथियार और उतार दो ये फौजी लिबास, कुछ काम के नहीं जो अपनी हिफाजत न कर सके। इससे पहले कि हम लोग उसके हमले का जवाब देते, वो लोग फरार हो गए। वो फरार होकर जाएगा तो भी कहा जाएगा? जिगाला उसके हर ठिकाने की खबर हासिल करके रहेगा। शाखा अभी भी मेरे कब्जे में है। जरगाम का एक एक ठिकाना अब शाखा बताएगा। क्या हुआ सिकाना? शाखा कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ कि शाखा कहाँ है? कौन आया था? बता कौन आया था यहाँ? और शाखा कहाँ गया? बता। मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? तुम्हें नहीं मालूम कि शाखा कहाँ है? हमारा मुजरिम, हमारा कैदी कहाँ गया? बताओ कहाँ गया? तुम लोग उसकी हिफाजत, उसकी निगरानी के लिए तैनात थे। तुम ही लोग तैनात थे ना? शाका हमारी जंजीरें तोड़कर फरार हुआ है, जिकाला की जंजीरें, और तुम्हें खबर भी नहीं कि वो कहाँ गया। यहाँ पर कोई नहीं थे, सब सिपाही चले गए थे। कहाँ चले गए थे सब? दरगाह की तलाश में। इस शाखा को अगवा करने की साजिश सरगाम ने की है। शाखा तना तो यहां से फरार नहीं हो सकता। जरूर जरगाम के आदमी आए होंगे। पता लगाओ कि तर्रम कहां है। तर्रम
इस हैरानी का सबब क्या है जिगाला? तुम्हारे माथे में परेशानी के बल कैसे? क्या जवाब दूं? क्या जवाब दूं मैं तुम्हें तुर्रम? क्या जवाब दूं? तुर्रम, शाका, शाका हमारे तहखाने से फरार हो गया है। शाका? लेकिन किस तरह जिगाला? वो जमीन दोस्त तहखाने की कैद से किस तरह फरार हो सकता है? वो जंजीरें तोड़ कर फरार हुआ कैसे? शाका का यहाँ से फरार होना बहुत ही अफसोस का जिगाला। शहजादी मेरंगे सुन के होशो आवाज खो बैठेगी। नहीं तुर्रम, नहीं। शाका के फरार होने की खबर हम शहजादी को अभी नहीं देंगे, वरना उनके दिल में और एक जख्म लग जाएगा। क्या शहजादी के लिए सदमा कम था कि अजरा का ताबूत हमारे हाथ से निकल गया? क्या शहजादी के लिए दुख की बात नहीं कि जरगाम जरगाम अभी तक हमारे हाथ नहीं लगा? शाखा बता रही ना, शहजादी के दिल में गमों का तूफान खड़ा कर देगा। हतरम, हम शहजादी से कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं। इससे पहले कि शहजादी को शाखा के फरार होने की खबर मिले, हमें किसी भी की ओर से शाखा को तलाश करके सलाखों के पीछे डालना पड़ेगा। यकीनन, हमें वक्त से पहले शाखा को तलाश करना होगा, इसलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। अजरा के ताबूत के साथ साथ शाखा भी हमें चाहिए, किसी भी कीमत पर, और वो भी जिंदा। अब हम उसे जरूर तलाश करेंगे जिगाला, जरूर। दरअसल गलती हमी से हुई, हमने अपने दुश्मन को बहुत ही मामूली समझ लिया, और यही गलती आज हमारे लिए असर बन गई। हाँ, दुश्मन हमारे खिलाफ बहुत आगे कदम बढ़ा चुका है, दुश्मन के बढ़ते हुए कदमों को कुचल देना ही बेहतर होगा। हिंदुस्तान का शहजादा, शाका और दरगाम सब एक हो चुके हैं। तुम फिक्र मत करो जिगाला, मैंने सब बंदोबस्त कर लिया है। हिंदुस्तान का वो शहजादा, वो भी हमारी गिरफ्त में आ जाएगा, शक्ल पकड़ जाएगा, और जरगाम वो भी हमारे हाथ लग जाएगा। फिलहाल अजरा का ताबूत हमारे लिए सबसे जरूरी है। अगर अजरा का ताबूत हमें मिल जाए तो एक बार फिर बाजी हमारे हाथ में होगी। अजरा का ताबूत कहाँ है? बहुत जल्द हमें उसे सुराग मिल जाएगा, क्योंकि वो लड़की जिसे तब से अजरा का ताबूत है वो हमें मिल चुकी है। कौन है वो लड़की? मर्जीना। कहीं ये वो मर्जीना तो नहीं जो सरकाम का दायां बाजू है? हाँ, ये वही मर्जीना है। मैं उसी मर्जीना की तलाश कर रहा हूँ। अगर वो हमें मिल गई तो दुश्मन के बहुत से सुराग हमारे हाथ लग जाएंगे। मेरी एक बात याद रखना तुम, ये लोग अपने धुन के पक्के होते हैं। हम चाहे इन्हें जितनी भी सजाएं दे, ये लोग अपनी जुबान नहीं खोलेंगे। हम चाहे इन्हें जान से भी मार दें, तभी हमें ये नहीं बताएंगे कि अजरा का ताबूत कहाँ है। इसलिए हमें दुश्मनों के गिरोह में शामिल होकर अजरा के ताबूत का पता लगाना होगा। इसके लिए हमारा सबसे पहला कदम होगा मर्जीना तक पहुंचना। वाकई मुझको जानती हो? कौन हो तुम? कहां से आई हो? किसी को बताना नहीं कि मैं कौन हूं। अगर मेरे रंगेश को पता चल गया कि मैं अजम की हूं, तो मुझे मार डालेगी। वो मुझे मार डालेगी। अच्छा, तो तुम अजम की हो? घबराओ मत, हम भी अजम के हैं, हम तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। चलो
आओ, हमारे साथ आओ, आओ। नहीं, मेरे पास मत आओ, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, नहीं तो मेहर अंगेज के सिपाही आ जाएंगे, वो तुम्हें मार डालेंगे। हाँ, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। डरो मत, डरो मत, हमारे साथ चलो, जहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, चलो आओ। नहीं, तुम उन्हें नहीं जानती, वो सब जालिम है, उन्होंने उन्होंने सबको मार दिया, माँ को, पापा को मार दिया, सबको मार दिया, सबके घर जला दिए, सब जल गया, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। हाँ, वहाँ वहाँ मेरा भाई है ना, वहाँ मेरा भाई है ना, वो मुझे बुला रहा है, मुझे बुला रहा है, मैं अजब जाऊंगी, मैं अजब जाऊंगी। ठहरो, तुम अजम जाना चाहती हो ना? हाँ, नहीं भेजते मुझे ये लोग, नहीं भेजते। हम तुम्हें अजम लेकर जाएंगे, तुम हमारे साथ चलो, आओ। नहीं, मुझे सब मालूम है, मैं सब जानती हूँ, तुम मुझे मेहर अंगेज के पास लेकर जाओगी, तुम मुझे उसके पास लेकर जाओगी ना? मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ। हम तुम्हें मेहर अंगेज के पास लेकर नहीं जाएंगे, उससे तुम्हारी हिफाजत करेंगे, वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। घबराओ नहीं, हमारी बात मानो, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अजम लेकर जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, तुम हमारे साथ चलो, वरना मेहर अंगेज के सिपाही तुम्हें मार डालेंगे, और अगर यहाँ हम दोनों को किसी ने देख लिया तो तुम्हारे साथ मैं भी मारी जाऊंगी। तुम्हारा यहाँ भटकना बहुत खतरनाक है, हम तुम्हें अजम छोड़ देंगे, तुम हमारे साथ चलो, हमारे ठिकाने पर चलो। मुझे लगता है मर्जीना किसी खतरे का शिकार तो नहीं हो गई, वरना अभी तक आ जाती। क्या बात है मर्जीना, बहुत देर कर दी, हम लोग कब से तुम्हारे इंतजार में परेशान हैं। परेशान होने की कोई वजह नहीं थी, वहाँ खतरे की कोई बात ही नहीं थी, रास्ते में ये लड़की मिल गई, इसकी वजह से आने में देर हो गई। कौन है ये लड़की? अजम की है, लगता है किसी कबायली जंग में इसका पूरा खानदान तबाह हो गया है, बेचारी पागल हो गई है, इसीलिए मैं इसको साथ लेके आई। लेकिन मर्जीना, सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है, इस लड़की को वापस अजम भेजना हमारी जिम्मेदारी है, अगर ये मेहर अंगेज के हाथों लग गई तो ये कत्ल कर दी जाएगी। बेशक हम इस लड़की को अजम वालों के हवाले कर देंगे, मगर मसला इस लड़की का नहीं, मसला ये है कि हमें जल्द से जल्द इस ठिकाने को बदलना है। नहीं नाशा, हम इस ठिकाने को नहीं बदल सकते। नहीं बदल सकते? क्या कह रही हो मर्जीना, तुम जानती हो अजरा का ताबूत हमारे पास है। अच्छी तरह जानती हूँ, और ठिकाना ना बदलने का सबब अजरा का ताबूत ही है। मैं समझा नहीं मर्जीना। ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, फिलहाल हमारा यहाँ से निकलना मुनासिब नहीं होगा, एक बहुत बड़ी शख्सियत कोहे काफ से यहाँ पहुँच रही है। कोहे काफ से? हाँ, कोहे काफ से। जरशाम नाम का एक शख्स अजरा का ताबूत लेने के लिए यहाँ आ रहा है, ये जरशाम सनोबर का एक बहुत खास आदमी है, और ये अजरा का ताबूत लेने यहाँ हमारे पास आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जरशाम के आने तक हमें इसी ठिकाने पर रुकना पड़ेगा। हाँ, जब तक हम अजरा का ताबूत उसके हवाले नहीं कर देते तब तक हमें यहीं रुकना पड़ेगा। ताबूत पर पहरा बढ़ा दो, ताकि कोई भी अनजान शख्स हमारी हद में दाखिल ना हो सके। तुम फिक्र मत करो मर्जीना, अजरा का ताबूत उसी के हवाले किया जाएगा जिसकी ये अमानत है। नाशा, जरशाम बसरा के पहाड़ी रास्तों से हमारी सरहद में दाखिल हो रहा है, ताकि जिगाला को उसके आने की कानो कान खबर ना हो। ये तो बड़ी हैरत अंगेज खबर है सामिया, तुम इस राज का पता कैसे चला? इस राज का पता लगाने के लिए मैंने इस समय को भेजा था, लेकिन मर्जीना के ठिकाने के साथ इस बात का पता चला है कि अजरा का ताबूत कहां छुपा है। तुम्हारा शक बिल्कुल सही था तुर्रम, अजरा का ताबूत वाकई मर्जीना के कब्जे में है। हाँ जिगाला,
अजरा का ताबूत इस वक्त मर्जीना के कब्जे में है, और अगर हमने मर्जीना तक पहुंचने में जरा सी देर कर दी तो वो ताबूत हमारे हाथों से निकल भी सकता है। नामुमकिन, नामुमकिन है कि अजरा का ताबूत जिगाला के सिवाय कोई और ले जाए। नहीं जिगाला, इस वक्त हालात ऐसे है कि हमारी हार भी हो सकती है। मैंने उनकी तमाम बातें सुन ली है। अजरा का ताबूत हासिल करने के लिए हमें जल्द से जल्द कोई कदम उठाना पड़ेगा। समिया बिल्कुल ठीक कहती है सिकाला, हमें जल्द से जल्द मर्जीना तक पहुंचना चाहिए। हमें किसी भी तरह उन तक पहुंचना पड़ेगा तुर्रम, वरना वो लोग अपना ठिकाना बदल देंगे, क्योंकि जरशाम के आते ही वो लोग वो ताबूत उसके हवाले कर देंगे। जरशाम, जरशाम आखिर है तो कौन है? जरशाम कोहे काफ का रहने वाला है, और ये सनोबर का बहुत ही खास आदमी है। सनोबर का खास आदमी? हाँ, वो बसरा के पहाड़ी रास्ते से हमारी सरहद में दाखिल हो रहा है। जिगाला, इससे पहले कि वो अजरा के ताबूत को हासिल करे, हमें उस ताबूत पे कब्जा कर लेना चाहिए। हम अजरा के ताबूत पर कब्जा कर ही लेंगे तुरंत, लेकिन उससे पहले हमें कब्जा करना है उस पर जो अजरा का ताबूत लेने आ रहा है। कल सुबह बसरा के सरहद पर हम जरशाम का इंतजार करेंगे। तुर्किस्तान की सरहद शुरू होती है, और यह सरहद दुश्मनों के लिए मौत की दहलीज है। अगर अपना कफन साथ लाए हो तो कदम आगे बढ़ाने का हौसला रखना, वरना तुम्हारा यह मगरूर सर तुम्हारे कांधों से जुदा कर दिया जाएगा। सर शाम जब भी निकलता है सर पर कफन बांधना नहीं भूलता, जान हथेली पर सजाना नहीं भूलता। दीवाना है, सर कटाने निकला है, और दुनिया के बड़े बड़े दिलेरों के लिए उसकी एक ललकार है, एक गूंज है। कोई है, कोई है, है कोई दिलेर जो दरशाम का सर काट सके? दुनिया के बड़े बड़े सुरमाओं ने जब दरशाम के खिलाफ अपनी तलवार उठाई तो सरशाम ने उनके हाथों को थरथराते हुए देखा। हट जाओ रास्ते से बुजदिल, पहले रास्ते को रोकने का जिगर पैदा करो। ये जोश, ये मिजाज की गर्मी, वो भी सिगालों के सामने। मेरे जलाल की कसम, तुझे से नाफरमान का खून उस जमी का मुकद्दर है जहां तू खड़ा है। जिगाला को सिर्फ एक पल लगेगा, एक पल, ये जमीन तेरे खून से सुर्ख हो जाएगी। ये वो खून नहीं जिसे तुर्कियों की तलवार बहा दे। अगर तराजू के एक पलरे में सारी दुनिया रख दी जाए और दूसरे में सरशाम के खून की एक बूंद, तो वो एक बूंद सारी दुनिया के पलरे को झुका कर रख देगी। सरशाम के खून का एक कतरा भी जमीन पर गिर जाए तो कयामत आ जाएगी। टुकड़े कर दो, टुकड़े कर दो इस बदजुबान के,
जिसने जिगाला के तेवर से टकराने की जरूरत की है। या, 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 दुश्मन की मौत का इंतजार नहीं करता, लेकिन निहत्ते पर कभी वार नहीं करता। Ah!
हत्या के जोश को ललकारा था ना। तूने एक तुर्की के गुमान से टकराने की जरूरत की थी ना। तूने देख, वहां देख, उधर देख, सब तरफ देख, जहां तक तेरी नजर जाती है वहां तक देख। ये उन सुरमाओं की कब्रें हैं जिन्होंने तुर्कियों की शान को नकारा था। दफन करके रख दिए सबके सब, दफन करके रख दिया सबके सबको। अब तेरा भी यही हश्र होगा। दुनिया जानती है हम भी वो जंगजू हैं जो एक बार जंग में अड़ जाए तो पीछे नहीं मुड़ते। बड़े बड़े शेरों के कदम मैदान से उखाड़ दिए हमने। सरफरोश हैं, सर काटने और कटाने का हौसला रखते हैं। खाक में मिला दिया जाएगा तेरा यह हौसला। अब यही तेरी आखिरी मंजिल है और यही तेरी कब्र बनाई जाएगी। सारा तुर्किस्तान भी मिलकर जरशाम की कब्र नहीं खोद सकता नादान। ये जिस उसी खाक में जाकर मिलेगा जहां की खाक से बना है। तेरा सारा जहान भी मिलकर मुझे मारना चाहेगा तो नहीं मार सकता। मत ललकार हमारी दिलेरी को, मत ललकार। दिलेरी? तुम्हें क्या मालूम दिलेरी क्या है? तुम्हें क्या खबर दिलेरों का मर्तबा क्या है? वो जो अपने दुश्मन को बराबर का मौका ना दे सके उसे बहादुर कहलाने का कोई हक नहीं। देख लिया, देख लिया सरशाम ने तुर्कियों के रगों में बहने वाले खून की औकात क्या है। सिगाला अभी और इसी वक्त तेरे जिस्म को आग में मिला देगा। ये जिस्म नहीं आग है सिगाला, आग। हाथ बढ़ाने वालों के हाथ जल जाएंगे। अब तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं, तेरा मर जाना ही बेहतर है। नहीं सिकाला, नहीं, हम इसे अभी नहीं मार सकते। हट जाओ तुरम, हट जाओ। इसका जिंदा रहना सिकाला की तोहीन है, सिकाला की तोहीन। सिकाला से पहले ये शहजादे के दुश्मन है, अगर हमने इसे अभी मार दिया तो शहजादी हमसे जवाब तलब करेगी, हमसे। सिकाला जवाब देगा शहजादी को, सिकाला, लेकिन इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसे मारने से कोई फायदा नहीं सिकाला, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये आदमी शहजादे के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये कोहकाफ से आया है, ये गुलसनोबर को जानता है और ये कोहकाफ का रास्ता जानता है। हम इसे हरगिज़ नहीं मार सकते, हरगिज़ नहीं। अगर ये शहजादी के लिए जरूरी नहीं होता तो अब तक ये सिखाला के हाथों से मार दिया गया होता। सरशाम दीवाना है, सनोबर से वादा करके निकला है कि अज़रा का ताबूत ज़रीन और ज़िहाक को यहां से वापस लेकर जाएगा, और सरशाम का वादा उसका मजहब और ईमान है जो कभी नहीं टूट सकता, कभी नहीं। इस जंग में फतेह सरशाम की होगी, सिर्फ सरशाम की। देखता रह जाएगा सारा तुर्किस्तान, सीना पीटती रह जाएगी तुम्हारी शहजादी। तुमने मुझे अपना कैदी बनाकर अपने मुकद्दर में शिकस्त निकली है। इसे और डाल दो काल कोठरी के इस खौफनाक अंधेरों में, ले जाओ इसे। अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारे जुल्म के आगे मैं अपने घुटने टेक दूंगा, नहीं, तुम्हारी खुदाई के आगे अपना सर झुका दूंगा, नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन है कि सरशाम अपना सर तुम्हारे आगे झुका दे, नामुमकिन है। तो फिर काट दिया जाएगा तेरा ये मकरूम सर, जो सर तुर्कियों के आगे झुकना मंजूर नहीं करता उस सर को तलवार की धार से काट दिया जाता है। तमाम तुर्की शमशीरों को मेरे सामने लाकर रख दो,
सरशाम की निगाह का एक शोला उन्हें पिघला कर रख देगा। जिंदगी मैदान जंग की तपती हुई रेत में गुजारी है, तलवारों के साए में चलना सीखा है। तलवारें लाखों पैदा हो जाती हैं, जाओ तलवारों में वो धार पैदा करो जो सरशाम का सर उतार सके। वरना तेरे खाक भी सनोवर को नसीब नहीं होगी। तेरे जिंदगी और मौत में सिर्फ इतना फासला है जितना मेरे हाथ और तेरी गर्दन में है। कोई मदद के लिए नहीं आएगा तेरी, तो इस वक्त हमारी कैद में है हमारी। कोई तेरी हमसे हिफाजत नहीं कर सकता, कुछ नहीं है तेरे पास, कुछ नहीं है। मैंने हाथ से तलवार छोड़ी है मगर हिम्मत नहीं। एक बात याद रखो, बहादुर का हथियार गिरता है मगर उसका हौसला नहीं गिरता। अगर जिगर रखते हो तो एक बार मुझे आजाद करके देखो। तुम्हारे लश्कर के मुकाबले में सरशाम अकेला लड़ेगा, अकेला। हट! कितने मगरूर खुदाओं का कमर तोड़ चुका है यह सिगाला। बेसुमार चट्टाने भी पहुंच चुकी है सिगाला के सामने। अगर तू बताना चाहता है तो ये बता कि कोई काफ कहां है। अगर हम वहां पहुंच गए तो सारा कोई काफ हमारे तोपों के शोलों में लिपट कर रह जाएगा। कोहे काफ हमारी आबरू है, जो कदम कोहे काफ की तरफ बढ़ेंगे उन्हें कुचल कर रख दिया जाएगा। ठहरो शिगाला, इसका गुरूर तोड़ना इतना आसान नहीं। होशियारी इसी में है कि हम पहले अजरा का ताबूत हासिल कर ले। अजरा का ताबूत लाने की जिम्मेदारी मेरी है। नहीं तरफ मैं तुम नहीं जाओगे। अजरा का ताबूत लाने मैं जाऊंगा। नहीं शिगाला, तुर्रम का वहां जाना बेहतर है, क्योंकि मर्जीना तुर्रम को नहीं पहचानती। मतलब तुर्रम जरशाम बनकर मर्जीना के पास जाएगा और अजरा का ताबूत लेकर वापस आएगा। मर्जीना इस वक्त आने वाले का इंतजार कर रही है। मुझे हैरत है जरशाम अभी तक पहुंचा क्यों नहीं। जरगाम ने उसके आने का जो वक्त बताया था वो तो गुजर चुका है। कहीं दुश्मन ने उसको पकड़ में तो नहीं ले लिया। मुमकिन है कि कहीं दुश्मन की नजर उस पर पड़ गई हो और गिरफ्तार कर लिया गया हो। जरशाम को गिरफ्तार करना इतना आसान भी नहीं है नाशा। जरगाम ने उसके बारे में मुझे जो कुछ भी बताया है कि वो कितना दिलेर आदमी है, मुझे नहीं लगता दुश्मन उसे पकड़ पाएगा। क्या तुम जरशाम को जानती हो? नहीं, जानती तो नहीं, लेकिन उसकी बहादुरी के किस्से अजम तक मशहूर हैं। इसका मतलब है कि वो हमारे पास जरूर पहुंचेगा। यकीनन वो हमारे पास पहुंचेगा। अगर वो हमारे पास नहीं पहुंचा तो हम लोग बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे मर्जीना। मुसीबत कैसी? अजरा का ताबूत हमारे पास है और हम ज्यादा दिन तक इस ठिकाने पर नहीं रुक सकते, क्योंकि महनगेस के सिपाही हमारे एक एक ठिकाने तक पहुंच चुके हैं। लेकिन जरशाम के आने तक हमें किसी भी हालत में यहाँ रुकना ही पड़ेगा नाशा। अगर जरशाम के आने तक महरंगेज के सिपाही यहाँ तक पहुंच गए तो बहुत गजब हो जाएगा मर्जीना, गजब हो जाएगा। हैरान होने की जरूरत नहीं मर्जीना। जरशाम जब अपनी मंजिल पर निकल पड़ता है तो पहुंच कर ही दम लेता है। जरशाम? हाँ जरशाम। नाशा मैं जानता हूं मेरे वक्त पर ना पहुंचने पर तुम सबसे ज्यादा परेशान हो, लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं, जरशाम तुम्हारे सामने खड़ा है। हाँ जरशाम, तुम्हारे न आने की वजह से हम काफी परेशान थे। तुमने आज मेरी देर क्यों कर दी? दुश्मनों का घेराव, उनकी साजिश, कसम को एक काफ की। अगर मुझे अजरा के ताबूत की जरूरत ना होती तो तुर्किस्तान के मैदान को मैदान जंग बना देता। वाकई हमने जरशाम की बहादुरी की जो दास्तानें सुनी थी उसे वैसा ही पाया। जरशाम, हमने तुम्हारी अमारत अजरा का ताबूत बड़ी हिफाजत से संभाल कर रखा है।